मॉर्निंग बच्चे, मॉर्निंग टू एवरीवन। आ जाइए सब, ज्वाइन कर लीजिए। तो आर्यन है, ध्रुव, कृतिका, मयंक, ओजस्विनी, रितु हैं सारे हमारे पुराने स्टूडेंट्स। बाकी भी आ जाइए, सौरभ हैं। आ जाइए सब बेटा, जल्दी स्टार्ट करते हैं। डिमांड कर रहे थे हम, ओके। कल हमने फिनिश किया था डिमांड जो था, लास्ट हमने कर्व देखा था, ओके, डिमांड का, जिसमें इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड था हमारा, ठीक है, ओके। उसका कर्व हमने देख लिया था और हमने उसका देखा था कर्व का जो स्लोप होता है वो डाउनवर्ड होता है, और जिसमें मार्केट जो डिमांड था वो ज्यादा फ्लैटर था आपका इंडिविजुअल डिमांड के कंपेयर में, ठीक है। आज फर्दर स्टार्ट करेंगे आगे टॉपिक, कर लीजिए ज्वाइन जल्दी से सब। इससे पहले आप लोगों की लॉ की क्लास थी, बिजनेस लॉ आपके पास होगा ना फाउंडेशन में, ओके। करेंगे स्टार्ट बेटा। कुछ स्टूडेंट्स नहीं है हमारे, जो पुराने स्टूडेंट्स यहाँ पे रहते थे, आज ज्वाइन नहीं कर रखा उन्होंने। रितिका आ चुकी हैं, ठीक है बेटा, कर लेते हैं स्टार्ट अब हम, ओके। आज का जो टॉपिक हमारा होने वाला है, सबसे पहले जहां पे हमने कर्व खत्म किया था, ओके, उसके बाद से स्टार्ट करेंगे, ओके। हेडिंग डालेंगे चेंज इन क्वांटिटी डिमांड वर्सेस चेंज इन डिमांड। क्या हेडिंग है बेटा? चेंज इन क्वांटिटी डिमांड वर्सेस चेंज इन डिमांड। दो अलग बातें होती हैं, ठीक है, दो अलग टर्म होते हैं, इसको समझना जरूरी है हमें, क्योंकि कभी कभी हम क्वांटिटी डिमांड से रिफ्लेक्ट करते हैं अपने डिमांड और प्राइस के रिलेशन को, ठीक है, और कभी कभी सिर्फ हम मेयरली डिमांड बोलते हैं, ठीक है। तो कब हम बोलेंगे कि जो एक प्रोडक्ट की जो डिमांड बदल गई है या क्वांटिटी डिमांड बदला है, किस फैक्टर की वजह से हमारा क्वांटिटी डिमांड में चेंज आता है और किस फैक्टर्स की वजह से हमारा डिमांड में चेंज आता है, तो वो यहाँ पे हमें देखना है। दैट इज वाई इट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांड एंड चेंज इन डिमांड। कर लेते हैं स्टार्टअप, ठीक है, ज्यादा वेट ना करते हुए, क्योंकि लेक्चर में आज हमें ना जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है डिमांड का वो खत्म कर लेना है, फिर नेक्स्ट क्लास से हम लोग इलास्टिसिटी स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। इलास्टिसिटी आपका एक से दो क्लास में हो जाएगा, और मैं ट्राई करेंगे कि सेकेंड क्लास जो होगा इलास्टिसिटी का, उसी से हम न्यूमेरिकल भी स्टार्ट कर दें, लाइक एमसीक्यूज जो है हमारे, ठीक है, डिमांड के। कर लेते हैं स्टार्टअप, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड वर्सेस चेंज इन डिमांड। अच्छा, इसको समझने से पहले जो मैंने आपको कॉमन फैक्टर्स बताए थे वो याद ही होगा आप लोगों को, जो एक डिमांड को अफेक्ट करता है वो क्या था? प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी, सबसे पहला हमने यही देखा था बेटा कि जो अपना प्राइस है एक गुड्स का, गुड्स एंड सर्विसेज का, वो उसको अफेक्ट करता है। सेकेंड हमने देखा था प्राइसेस ऑफ अदर गुड्स, ठीक है, प्राइसेस ऑफ अदर गुड्स, और हमारे पास फैक्टर्स थे इनकम, टेस्टेस एंड प्रेफरेंसेस, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग प्राइस, है ना, और सो एंड सो फोर्थ, ठीक है, और भी बहुत तरीके के थे, बट लेकिन इतना समझना काफी होगा। इंडिविजुअल डिमांड का एस्पेक्ट लेके चल लेते हैं, उसी से चेंज इन क्वांटिटी डिमांड और चेंज इन डिमांड समझ में आ जाएगा। बात करते हैं, अच्छा, इन्हीं कुछ फैक्टर्स में चेंजेस होने की वजह से कभी आपका क्वांटिटी डिमांड बदल जाता है तो कभी आपका डिमांड बदल जाता है, ठीक है। अब जो हमारा पहला कंपोनेंट है, पहला फैक्टर, प्राइस ऑफ द गिवन गुड, प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी,
ठीक है, किसी भी कमोडिटी के अपने प्राइसेस में जब चेंजेस होते हैं, ठीक है, सपोज करो जैसे हम एग्जांपल लेके चल रहे थे, लेट सपोज हम ब्रेड की डिमांड कर रहे हैं या मैगी की डिमांड कर रहे हैं, गुड्स कोई भी है, अगर उसको अपना प्राइसेस जब इफेक्ट करता है तो वो कहलाता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। ठीक है, सपोज करो हमें ब्रेड खरीदना है, ब्रेड की प्राइस जो है 30 के अराउंड हमें आज के टाइम में एक ब्रेड मिल जाता है, ठीक है, तो 30 के प्राइस पे जितना भी हम डिमांड कर रहे हैं वो तो यूनिट्स में हम लिख देंगे, ठीक है, बट सपोज करो 30 से 35 हो गया, जब प्राइस प्राइस आपका बढ़ गया ब्रेड का 30 से 35 हो गया, तो उसकी वजह से प्राइसेस के बढ़ने से जो डिमांड बदल जाएगी, ऑब्वियसली बात है डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि अब प्राइसेस इंक्रीज हो चुके हैं, तो बेटा जो वो डिमांड बदली है ना उसको हम चेंज इन डिमांड नहीं बोलेंगे, अब उसको बोलेंगे चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। ठीक है, तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड सिर्फ एक ही फैक्टर पे डिपेंड करता है, वो है आपका प्राइस ऑफ गिवन गुड, सिर्फ एक ये वाला। इसमें अगर किसी भी तरीके के चेंजेस हो रहे हैं तो वो कहलाएगा आपका चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। तो इसमें लिखेंगे बेटा व्हेन डिमांड चेंजेस, बहुत बेसिक इसका डिफरेंस है जो काफी बार पूछा जाता है, व्हेन डिमांड फॉर अ गिवन कमोडिटी चेंजेस, व्हेन डिमांड फॉर अ गिवन कमोडिटी चेंजेस ड्यू टू चेंज इन इट्स ओन प्राइस, ड्यू टू चेंज इन इट्स ओन प्राइस इज कॉल्ड चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। क्या बोलते हैं बेटा हम उसको, इज कॉल्ड चेंज इन क्वांटिटी डिमांड या क्वांटिटी डिमांडेड कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, तो जब एक कमोडिटी के प्राइसेस में चेंज होने की वजह से हमारी डिमांड बदल जाती है तो उसको हम चेंज इन डिमांड नहीं, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड बोलते हैं। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड बेटा हम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपको पता है एक फिक्स्ड डिमांड बदलेगी। ठीक है, जैसे प्राइसेस 30 से 35 हो गए तो हमको पता है कि जो कंज्यूमर्स हैं अगर वो पहले 50 ब्रेड खरीद रहे थे तो ऑब्वियस सी बात है अब 50 ब्रेड नहीं खरीदे जाएंगे क्योंकि बाकी कंज्यूमर्स जो हैं उनकी इनकम पर इफेक्ट पड़ जाएगा। ठीक है, जो लोग अब एफोर्ड नहीं कर पाएंगे, जिन लोगों की इनकम कम थी अब वो लोग अब ये 35 रुपये एफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो मे बी आपके यूनिट्स जो हैं ब्रेड के वो कम हो जाएगा अपने आप ही। ठीक है, तो हमें पता है एक फिक्स्ड क्वांटिटी जो है ना वो घटने या बढ़ने वाली है, तो जब हमें पता है कि कितनी क्वांटिटी घटेगी या बढ़ेगी तो हम इसको बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं चेंज इन डिमांड। चेंज इन डिमांड में बेटा आपको ये नहीं पता कि आपकी क्वांटिटी कितनी बदलने वाली है, एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन हमें नहीं पता है। ठीक है, हम एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं, कुछ भी चेंजेस हो सकते हैं आपके डिमांड पे, कितने भी इफेक्ट पड़ सकते हैं। ठीक है, फिक्स्ड नहीं है कि इतना ही हो सकता है। तो पहले तो हम बात करते हैं कि ये होता क्यों। अब जो हमने देखा कि जो एक फैक्टर था प्राइस ऑफ गिवन गुड वो तो ले गया क्वांटिटी डिमांड, अकेला वही है ऐसा जिसकी चेंजेस होने की वजह से क्वांटिटी डिमांड में इफेक्ट होता है, तो बाकी बचे रह गए ये तीन जो हमारे पास, ये कुछ चार पांच फैक्टर्स हैं लाइक दिस, ये वाले, इनमें जो कोई चेंजेस होंगे बेटा तो वो आप पे कहलाएंगे चेंज इन डिमांड। ठीक है, इन चारों में जब कोई भी चेंजेस होते हैं तो वो हमारा कहलाता है चेंज इन डिमांड। लिखेंगे व्हेन डिमांड चेंजेस, व्हेन डिमांड चेंजेस, वीडियो सब ऑन रखेंगे, सब लिखते हुए नजर आने चाहिए, फ्रेश रहो एकदम, मॉर्निंग का टाइम है। व्हेन डिमांड चेंजेस ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स, कीपिंग प्राइसेस कॉन्स्टेंट, कीपिंग प्राइसेस ऑफ इट्स ओन कमोडिटी फिक्स्ड इज कॉल्ड चेंज इन डिमांड।
चेंज इन डिमांड। तो डिमांड कब बदलती है, चेंज इन डिमांड हम कब बोलते हैं, जब हमारे प्रोडक्ट की डिमांड बदल जाए बाकी फैक्टर्स के चेंजेस होने की वजह से, अपना प्राइस जो है वो फिक्स्ड रहेगा। ठीक है, तो सपोज करो जैसे हम ब्रेड लेके चल रहे थे, ब्रेड के प्राइसेस जो है वो हम 30 ही रखते हैं। ठीक है, 30 का प्राइस था ब्रेड का, 30 ही रखेंगे। पर ऐसा तो नहीं है कि डिमांड जो है ब्रेड की वो बदली नहीं जा सकती जब तक हम प्राइसेस में चेंजेस ना करें। बाकी फैक्टर्स भी होते हैं जो एक प्रोडक्ट को अफेक्ट करते हैं, वो हमने देख लिया है पिछले क्लासेस में, जैसे कि प्राइसेस ऑफ अदर गुड्स हो गया। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो जाते हैं उसमें, सब्स्टिट्यूट गुड्स हो जाते हैं, इनकम हो जाता है। तो उन सब में जब चेंजेस होते हैं और उसकी वजह से जो प्रोडक्ट की हम डिमांड कर रहे हैं वो बदल जाए तो हमारा वो कहलाता है चेंज इन डिमांड। ठीक है, तो ऐसा भी तो हो सकता है ना, जैसे ब्रेड एंड बटर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। ठीक है, तो अब बटर के प्राइसेस अगर हम बढ़ा दे तो लोग ब्रेड भी शायद कंजम्पशन कम कर दें, क्योंकि लोगों को पता है कि हम ब्रेड एंड बटर साथ में कंज्यूम करते हैं। तो जब हम बटर ही अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो हम ब्रेड ही क्यों खरीदें, हम अपना जो कंजम्पशन के लिए गुड्स एंड सर्विसेज है उसका मोड ही चेंज कर देते हैं, डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज पे शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो लोग सब्स्टिट्यूट ढूंढने लगेंगे फिर। तो यही बात होती है आपका कि अब इनकम, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, इनकम के बढ़ने और घटने की वजह से भी डिमांड बदली जाती है। तो अगर पहले लोग कम कमा रहे थे, अब ज्यादा कमाएंगे तो ब्रेड वो ज्यादा अफोर्ड कर पाएंगे। ठीक है, तो यही कुछ अदर फैक्टर्स हैं, अगर उनमें कुछ बढ़ोतरी कर दें या उनमें कुछ डिक्रीज कर दें तो उससे हमारी डिमांड बदल जाती है, गिवन कमोडिटी की प्राइसेस फिक्स रखेंगे, जो उसके अपने प्राइसेस है वो फिक्स रखेंगे। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं चेंज इन डिमांड। आई होप ये क्लियर है आप सबको। आगे बढ़ते हैं हम, बहुत छोटा सा टॉपिक था ये तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। अब जैसे मैंने आपको चेंज इन डिमांड बताया, ठीक है, और चेंज इन क्वांटिटी डिमांड का डिफरेंस समझाया, तो अभी आपको क्लियर है कि अपने प्राइसेस में चेंज हुए तो वो कहलाएगा हमारा चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। ठीक है, और जो हमारा बाकी फैक्टर्स में चेंजेस हुए उसकी वजह से डिमांड घटी या बढ़ी वो हमारा कहलाएगा चेंज इन डिमांड। तो यहाँ पे मैं आपको चार पांच ना सिचुएशंस दे रहा हूँ, एक तरीके से आप समझो एग्जांपल्स हैं आपके सामने। ठीक है, जहां पे अपने आपको आपको टेस्ट करना है कि क्या आप क्वांटिटी डिमांड और डिमांड पहचान पा रहे हो चेंज। ठीक है, तो यहाँ पे मैं प्रेजेंट करता हूँ आपको, आप उन चारों पांच एग्जांपल्स को नोट कीजिए और मैं यहाँ पे सब आंसर देंगे। जैसे मैं पूछूंगा कि फर्स्ट का क्या है, सब अपना रिप्लाई देंगे चैट बॉक्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको प्रेजेंट करता हूँ एक बार। ओके बेटा, तो करते हैं टेस्ट। ठीक है, चलिए एक बार नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में ये, और फिर डिस्कस करते हैं एक बार इसको। ओके, क्या है हमारे पास ये, ये मैंने पांच बेसिकली सिचुएशन आपके सामने रख दिए हैं जहां पे हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि जो केस वन, केस टू, केस थ्री, केस फोर एंड केस फाइव जो है उसमें से कौन से चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कहलाएंगे और कौन से ऐसे केसेस हैं जो आपके चेंज इन डिमांड कहलाएंगे। ठीक है, तो एक बार नोट कर लो तसल्ली से, दो मिनट नोट करो इसको। ठीक है, एकदम लिखते हुए नजर आने चाहिए सब, वीडियो ऑन रखे, ओके, दिखने चाहिए आप लोग नोट कर रहे हो। अपने आप को जितना ज्यादा यहाँ पे पार्टिसिपेटिव रखोगे ना समझ में आएगा, जितना हार्डवर्क करोगे उतना ज्यादा ही रिजल्ट अच्छा आएगा। ठीक है, एक एक पॉइंट नोट करो, एक एक डिस्कशन में पार्टिसिपेट करो। ठीक है, कॉन्सेप्ट आधे ऐसे ही क्लियर हो जाते हैं, दोबारा पढ़ना ही नहीं पड़ता, पढ़ते पढ़ते दिमाग में रट जाता है। ओके, तो इसीलिए मैं कुछ आपके सामने ये केसेस रख देता हूँ कि कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो पढ़ाने के बाद आपको आइडेंटिफाई करवाना जरूरी हो जाता है। नोट कर लीजिए एक बार ये पांचों केसेस क्या है। पीपल बाय मोर आइसक्रीम्स ड्यूरिंग समर देन ड्यूरिंग विंटर, ये आपका पहला केस है। ठीक है, बहुत सिंपल है, क्लियर होता जा रहा है। ठीक है, कर लेते हैं स्टार्ट, जैसे जैसे आप लोग लिखते रहेंगे आप लोग खुद भी क्लियर हो जाएगा, कोई इतना टफ नहीं है। ठीक है, तो पहला जैसे आपने नोट किया, पीपल बाय मोर आइसक्रीम्स ड्यूरिंग समर देन ड्यूरिंग विंटर,
तो बेटा आपको क्या लगता है, ये चेंज इन डिमांड में होना चाहिए या चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कहलाना चाहिए इसको? डिमांड, चेंज इन डिमांड, करेक्ट। यहाँ पे ना चैट बॉक्स में आप अपना अपना रिस्पॉन्स छोड़ दो, ठीक है, वहीं से पता चल जाएगा कि सबको पता है या नहीं। वेरी गुड, सब सही रिस्पॉन्स दे रहे हैं, चेंज इन डिमांड, क्योंकि हम सबको पता है यहाँ पे जो आइसक्रीम है ना वो समर में ज्यादा कंज्यूम की जा रही है रादर विंटर, तो भाई प्राइसेस में तो कोई चेंज नहीं हुए। ऐसा तो है नहीं कि विंटर में तुम प्राइसेस में चेंज कर दोगे तो आइसक्रीम लोग ज्यादा खाने लगेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं होता। ये हमारा कौन सा फैक्टर है, मार्केट डिमांड का, सीजन एंड वेदर, ठीक है, कि जिस हिसाब से हमारा सीजन चल रहा है अभी उस हिसाब से हम उस कमोडिटी की डिमांड करेंगे। तो भाई आइसक्रीम नॉर्मल सी बात है, विंटर में कौन ही कंज्यूम करता है, वेरी लेस कंजम्पशन, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे सीजन एंड वेदर अफेक्ट कर रहा है डिमांड, प्राइस नहीं कर रहा है, तो दिस इज कॉल्ड चेंज इन डिमांड, नॉट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। लेट्स मूव फर्दर, सेकेंड वन, सेकेंड वन वाला बताएंगे बच्चे क्या है। कंज्यूमर की इनकम गिर गई है, उसकी वजह से क्या हुआ है, जो ऑटोमोबाइल्स की जो डिमांड है ना, जितना लोग पहले खरीद रहे थे अब वो उतना नहीं खरीद रहे, कम हो गया है। करेक्ट कृतिका, ठीक है। ध्रुव, यू आर सेइंग चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, ओके। और लोग बताइए बेटा, साफ नजर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। ओजस्विनी, रितु, सौरभ, आर्यन, क्या कहना है आप लोगों का, सब बताएं, ठीक है। रितु आप कह रहे हो क्वांटिटी डिमांड, ओके, देखते हैं क्या है इसका मतलब, अभी भी ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है। जो लोग क्वांटिटी डिमांड बोल रहे हैं उनको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है, ओके। क्या है ये, मैंने आपको अभी बताया कि जब कमोडिटी की प्राइसेस में चेंज होने की वजह से जब डिमांड बदलता है ना, उसको हम बोलते हैं क्वांटिटी डिमांड, ठीक है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल, अब जैसे यहाँ पे देखो ऑटोमोबाइल्स है, ठीक है, ऑटोमोबाइल्स में कार वगैरह आ गए, व्हीकल्स जितने भी हमारे सब आ गए, ठीक है। तो अगर हम कार की प्राइसेस में चेंज कर, ठीक है, कि कोई एक कार हमारी नॉर्मली सपोज करो 8 लाख की आ रही है, ठीक है, तो उसको हम 10 लाख कर दें उसके प्राइसेस को, तो आपको क्या लगता है कि उसके उसकी क्वांटिटी बढ़ेगी या कम हो जाएगी? नॉर्मल सी बात है, प्राइसेस के बढ़ने से क्वांटिटी कम हो जाती है, ये तो एक बेसिक रिलेशन है एक प्रोडक्ट में और है उसकी प्राइसेस में, ठीक है। तो बात को समझो, जब प्राइस में मैंने चेंज किया है उसकी वजह से जब मेरी डिमांड बदली है तो वो है क्वांटिटी डिमांड, पर जब अदर फैक्टर्स बदल जाते हैं उसकी वजह से मेरी प्रोडक्ट की डिमांड बदल गई। सपोज करो जो ऑटोमोबाइल चल रहा था, ठीक है, जो कार हम बेच रहे थे, अब वो मॉडल पुराना हो चुका, नया मॉडल आ गया है, तो अब पुराने मॉडल वाले की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी, ठीक है। या सेम प्राइस पे आपको दूसरे जो व्हीकल्स हैं उनमें बेस्ट फीचर्स दे रहे हैं वो आप लोगों को, ठीक है, मे बी आफ्टर सेल सर्विसेज भी उस पर बहुत अच्छी मिल रही है आपको, ठीक है। तो क्या हुआ, ये अदर फैक्टर्स हो गए, लोगों की इनकम बदल जाती है। पहले में भी हम इतना अच्छा अर्न कर रहे थे इसलिए 8 लाख की गाड़ी अफोर्ड कर पा रहे थे, बट अब मेरी जो इनकम है वो कम हो गई है, ठीक है। तो इनकम इज वन ऑफ द अदर फैक्टर जिसकी वजह से भी डिमांड गिर जाती है। तो बेटा यहाँ तो साफ पता चल रहा है कंज्यूमर की इनकम में बदलाव हुआ है, कंज्यूमर की इनकम बदली है उसकी वजह से आपका ऑटोमोबाइल का जो डिमांड है वो डिक्लाइन हो चुका है। तो दिस इज कॉल्ड चेंज इन डिमांड, नॉट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। सिंपल सी तो बात है, जब प्राइसेस में चेंज होंगे उसकी वजह से डिमांड बदलेगा तो वो क्वांटिटी डिमांड, अदर फैक्टर्स में चेंजेस हुए उसकी वजह से डिमांड बदला तो वो चेंज इन डिमांड। चलो थर्ड पे आते हैं, अब क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। एलजी का प्रोडक्ट है, एलजी के टीवी सेट्स हैं, तो एलजी ने क्या किया है, टीवी सेट के प्राइसेस रिड्यूस कर दिए हैं 10% से, प्राइसेस में रिडक्शन हुए हैं, उसकी वजह से उसकी सेल्स बढ़ चुकी है। तो आपको क्या लगता है ये क्या कहलाना चाहिए हमारा, क्वांटिटी डिमांड या डिमांड? ठीक है ओजस्विनी, बाकी लोग भी बताएंगे, करेक्ट सौरभ, ठीक है रितिका, वेरी गुड। अब बताओ ध्रुव, ऋतु, जो आप लोग बोल रहे थे ना, ध्रुव पिछला वाला ऑप्शन आपका भी गलत था, ओके, वो आपका चेंज इन डिमांड था। मयंक इज सेइंग डिमांड, बेटा अब क्यों डिमांड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड बोलो ना, अब तो क्लियर है कि यहाँ पे तो जो एलजी है उसने अपने टीवी के प्राइसेस कम कर दिए हैं, प्राइस में आपका चेंज हुआ है,
प्राइसेस ऑफ ओन गुड ही है ये, कोई सब्सटीट्यूट तो है नहीं भाई कि यहाँ पे तुम्हें कलर टीवी और ब्लैक टीवी दे दिया है और पूछ रहा है कि कलर टीवी की प्राइसेस में जो इंक्रीज या डिक्रीज हुए तो उसकी वजह से उसकी डिमांड पे क्या इफेक्ट होगा। सिंपल सी बात है, एक ही प्रोडक्ट है उसी के प्राइसेस में चेंज हो रहे हैं, तो ये क्वांटिटी डिमांड हो गया। चलो क्लियर है अब इसका मतलब। फोर्थ वाला बताएंगे बेटा, फोर्थ में क्या है, कॉलेज है जिसने अपनी ट्यूशन फी रेज कर दी है, उसकी वजह से जो एनरोलमेंट रेशियो है ना स्टूडेंट्स का वो कम हो चुका है। तो ध्यान से समझना कॉलेज का, ये वेरी गुड कृतिका, कॉलेज का तो बेसिक जो है ना जिस पे वो ओजस्विनी वर सेइंग चेंज इन डिमांड, बेटा ये क्वांटिटी डिमांड कहलाए, क्वांटिटी डिमांड। आपने यहाँ पे ये नहीं समझा रिलेशन कॉलेज का और उसकी फीस का, कॉलेज के लिए उसकी जो फीस है वही तो उसका प्राइस है, ठीक है, कोई अदर फैक्टर थोड़ी ना है कॉलेज की जो ट्यूशन फीस है। जैसे एक प्रोडक्ट होता है, अब कॉलेज कोई प्रोडक्ट तो है नहीं, ठीक है, एक इंस्टीट्यूशन है, पर इंस्टीट्यूशन भी मार्केट किससे बनता है उसका, उसके प्राइसेस से ही, ठीक है, कितना वो कमा रहे हैं। तो कॉलेज जो है एक अगर इंस्टीट्यूशन है तो यहाँ पे जो डिमांड किसकी होगी, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल कर रहे हैं, ठीक है, वही डिमांड हो गया उसका। तो आप खुद समझो ना, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उनकी डिमांड किस पे डिपेंड करेगी, उस इंस्टीट्यूशन की जो वो फीस चार्ज कर रहा है, ठीक है। चलो और सबको समझ आ रहा है इसका मतलब, ठीक है। एक जो आपने ओजस्विनी चेंज इन डिमांड बोला था ना वो नहीं होगा इसमें बेटा, बिकॉज यहाँ पे अब हमारा प्रोडक्ट नहीं रह गया है, सिचुएशन बदल गया है, इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूशन का जो बेसिक प्राइस हो गया वो उसकी ट्यूशन फीस हो गई, ठीक है, वो अदर फैक्टर में काउंट नहीं हो सकता। तो ट्यूशन फी में जब हमने चेंजेस किए तो उसकी वजह से क्या हुआ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो गिर चुके हैं, तो क्वांटिटी डिमांड कहलाएगा। क्योंकि आप समझ चुके हो अगर आप एक कोर्स की फीस 25,000 से 30,000 कर दोगे ना तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने कम हो जाएंगे आपके पास, ये आप एक तरीके से मेजर कर सकते हो, आप इसको क्वांटिटी में बता सकते हो, ठीक है। तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। जो प्राइस है वो हमेशा क्वांटिटी को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। नाउ फिफ्थ वाला पढ़ेंगे एक बार, डिमांड फॉर फिफ्थ में, यस वेरी गुड। तो क्या हो गया, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है तो आपका क्या कहलाएगा, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आपका जो है वो प्राइस वाला फैक्टर है या अदर फैक्टर में काउंट किया जाता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब सही आंसर दे रहे हैं, आर्यन क्लियर हो जाए, प्राइसेस ऑफ ओन कमोडिटी थोड़ी ना होगा, बट यहाँ पे जैसे मैंने आपको लिख के दिया था आपने वो नोट किया होगा, जब मैंने यहाँ पे चेंज इन क्वांटिटी डिमांड और चेंज इन डिमांड के फैक्टर्स बताए थे, क्या क्या फैक्टर थे, प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी, प्राइस ऑफ अदर गुड्स, तो सब्स्टिट्यूट गुड्स जो है वो आपका अदर गुड्स में आता है, ठीक है, और अदर गुड्स मतलब अदर फैक्टर्स, वेरी गुड। तो यहाँ पे जो आप देखो गिवन कमोडिटी क्या है, हमारी कोक है, ठीक है, और सब्स्टिट्यूट गुड क्या है, कोक का पेप्सी, तो उसने क्या किया है, पेप्सी के प्राइस में चेंज कर दिया। तो सब्स्टिट्यूट गुड के प्राइस में जब उसने चेंज किया तो वो ये देखना चाहता है गिवन कमोडिटी की डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ा, गिवन कमोडिटी वो जो हम कंज्यूम करना चाहते हैं, ठीक है, और सब्स्टिट्यूट कमोडिटी वो जो उसके जैसा ही है, कि अगर गिवन कमोडिटी नहीं खरीद पाए तो अपनी नीड्स एंड वांट्स हम सब्स्टिट्यूट से सेटिस्फाई कर लेंगे। तो यहाँ पे कोक गिवन है तो कोक की डिमांड जो है वो बढ़ गई है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूट गुड है ना उसके प्राइसेस में हमने बढ़ोतरी कर दी। तो साफ सीधी बात है, जब सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइसेस बढ़ा दोगे तो लोग सब्स्टिट्यूट नहीं खरीदेंगे, फिर तो वो गिवन कमोडिटी ही खरीदेंगे, उनके लिए तो और अच्छी बात है, उनको तो ये दिख रहा है कि सब्स्टिट्यूट वाला जो है वो महंगा मिल रहा है मुझे। जब हम मार्केट में जाते हैं बेटा तो यही करते हैं ना कि सिमिलर प्रोडक्ट की हम देखते हैं ये क्या प्राइसेस मिल रहे हैं, अच्छा इसके जैसा एक और प्रोडक्ट है इसके प्राइसेस पे क्या है देखते हैं, तो जब हमें लगता है यार मुझे खरीदना ये था, ठीक है, पर इसके जैसा ही अगर मैंने दूसरा प्रोडक्ट देखा पर इसकी तो बहुत ज्यादा प्राइसेस हैं, तो मैं ये देख रहा हूँ कि ये तो और अच्छी बात है, जो मुझे खरीदना था उसी के प्राइसेस कम है एज कम्पेयर टू उसके सब्स्टिट्यूट के प्राइसेस से, तो मैं वही उसकी डिमांड ज्यादा कर दूंगा जो मुझे खरीदना है। तो यहाँ पे कोक ही तो खरीदना था मुझे और मैंने पेप्सी से कंपेयर किया तो पेप्सी महंगा लगा मुझे, तो
तो मैंने कोक की डिमांड ज्यादा कर दी। तो बेटा सब्स्टिट्यूशन अफेक्ट ना प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी में तो आता नहीं है, प्राइसेस ऑफ अदर गुड्स में आता है। तो ये अदर फैक्टर हो गया, और अदर फैक्टर में चेंजेस हुए तो वो हो जाएगा आपका चेंज इन डिमांड। ओके, सबको क्लियर हो गया इसका मतलब? फाइन, सबने सही रिस्पॉन्स दिया, और जो भी थोड़े बहुत डाउट थे वो अब आपका क्लियर हो गया। तो समझना है इस चीज को, ठीक है? और भी जब हम करेंगे एमसीक्यूज तो उसमें आपको ऐसे सिचुएशंस मिलेंगे, ठीक है? आगे बढ़ जाते हैं हम। ये तो एक छोटा सा टॉपिक था। करते हैं बेटा आगे स्टार्ट, लॉ ऑफ डिमांड हेडिंग डालेंगे हम। इम्पॉर्टेंट अब आपका स्टार्ट हो चुका है लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है? बहुत सिंपल है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि बार बार वही चीज रिपीट हो रही है। लॉ ऑफ डिमांड कोई अलग बात थोड़ी ना है। चलो ठीक बेटा, लिखते हैं, हेडिंग डालेंगे लॉ ऑफ डिमांड। इसमें सब कुछ सेम है, आप सबको पता है लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है। बस एक चीज है जो आपको जाननी है, काफी लोगों को पता होगा काफी लोगों को नहीं पता होगा, तो वो चीज हम नोट कर लेंगे एक बार। वो एमसीक्यूज में बनता है आपका, बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है वो एक टर्म। ओके, तो लॉ ऑफ डिमांड क्या है, चलो आप लोग ही बताओ मुझे। सिंपल सी बात है, और आप लोग ही फिर नोट भी कर लेना, ठीक है? बहुत बेसिक बात है बेटा, ये तो हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं। क्या है लॉ ऑफ डिमांड? डिमांड का लॉ क्या कहता है? एनीवन? बताएंगे बेटा? वेरी गुड प्रतिका, एकदम ठीक है। अच्छा ओके, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। ओके वी कैन से, बट जब आपको ये पता चल गया है कि प्राइस और डिमांड के बीच में रिलेशनशिप देखना है, तो प्राइसेस में जब चेंजेस होने की वजह से डिमांड बदलते हैं तो क्या हम उसको डिमांड बोलेंगे या क्वांटिटी डिमांड बोलेंगे? उसको हम क्वांटिटी डिमांड बोलेंगे बेटा। ओके यस, तो जो लॉ ऑफ डिमांड है ना वो ये बोलता है, देयर एग्जिस्ट इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी डिमांड, नॉट डिमांड, इट्स क्वांटिटी डिमांड। क्योंकि आप प्राइस के साथ कंपेयर कर रहे हो ना डिमांड को। तो अभी तो हमने समझा है कि जब हम प्राइस की रिलेशनशिप देखते हैं डिमांड पे, कि मैंने प्राइसेस इंक्रीज किए या डिक्रीज किए तो डिमांड बढ़ेगी या घटेगी, तो उसको हम चेंज इन डिमांड नहीं, उसको हम बोलेंगे क्वांटिटी डिमांड। ओके, तो इसमें आप लोग लिखना यही टर्म है वो जो मैंने आपको यहां पे नोट करवा दिया, यहीं से हम स्टार्ट कर रहे हैं। सेटेरियस पैरिबस, एक बार इसको नोट करना। कोई बताएगा मुझे सेटेरियस पैरिबस का मतलब क्या होता है? ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है। दिस इज अ लेटिन। अदर थिंग्स बीइंग वेरी कांस्टेंट। गुड वेरी गुड। सेटेरियस पैरिबस ना आपका लैटिन वर्ड है, इसका इंग्लिश में मीनिंग होता है कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट या अनचेंज। ओके, तो आप सबको पता है बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं, वो तो हमने पढ़ लिया है, ठीक है? तो हमें जितने भी फैक्टर्स हैं सिर्फ प्राइस के अलावा, सिर्फ प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी के अलावा जितने भी फैक्टर्स डिमांड को अफेक्ट करते हैं उसको हम क्या कर देंगे, उसको हम कांस्टेंट कर देंगे, फिक्स्ड कर देंगे। तो उसका टर्म कहलाता है सेटेरियस पैरिबस, ठीक है? लिख लेना सेटेरियस पैरिबस का मतलब क्या होता है, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, देयर एग्जिस्ट नेगेटिव रिलेशन, नेगेटिव बोल लो या इनवर्स बोल लो बात बराबर है, नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस
of a commodity, price of a commodity, and its quantity demand, and its quantity demand. तो सारे फैक्टर्स को कर दो कांस्टेंट, सिटेरियस पैरेबल्स, और हम पढ़ेंगे अपना रिलेशन किसके बीच में, प्राइस ऑफ हमारी कमोडिटी और उसके क्वांटिटी डिमांड, और हम ये देखेंगे कि उनके बीच में रिलेशन कैसा होता है, इनवर्स होता है. इनवर्स रिलेशनशिप मतलब अगर मैंने प्राइसेस बढ़ाए तो मेरी जो प्रोडक्ट की क्वांटिटी डिमांड है वो कम हो जाएगी, एंड वाइस वर्सा, कि प्राइसेस कम कर दिए तो क्वांटिटी डिमांड जो होगी प्रोडक्ट की वो बढ़ जाएगी. दिस इज कॉल्ड इनवर्स रिलेशन. ठीक है, बाकी सारे फैक्टर्स कॉन्स्टेंट. बहुत सिंपल था ये. ओके, उसके बाद अजम्पशंस नोट करना बेटा, अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड. ये भी एमसीक्यूज में पूछा जाता है, आपको ऑप्शन दे देगा, पूछेगा विच वन ऑफ दीज दिस इज द अजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, फिर आप उसमें देख लेना एमसीक्यूज जो भी होगा आपका अजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड का, वो आप इसमें नोट कर लेना. ठीक है, वैसे अजम्पशंस बहुत सिंपल है याद रखने के लिए. अभी तक आप लोगों को फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड तो याद हो गया होगा, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्टेस एंड प्रेफरेंसेस, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस ऑफ राइज इन प्राइसेस, मार्केट में देखा था साइज एंड पॉपुलेशन, सीजन एंड वेदर, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. तो जितने भी अदर फैक्टर्स है ना, अजम्पशंस में वही आएंगे, और सब में एक ही लाइन चलेगा, दिस इज कॉन्स्टेंट, दिस इज कॉन्स्टेंट, दिस इज कॉन्स्टेंट. तो जितने भी अदर फैक्टर्स थे ना प्राइसेस के अलावा, सब्स्टिट्यूट, कॉम्प्लीमेंट्री, इनकम, टेस्टेस एंड प्रेफरेंसेस, सबको कर दो कॉन्स्टेंट. जो सेटेरियस पैरिबस आपने लिखा है ना, उसको यहाँ पे डिटेल में नाम दे दो बस. तो यहाँ पे अजम्पशंस में क्या आएंगे, जितने भी अदर फैक्टर्स है ना उसको हम कॉन्स्टेंट कर देंगे. Assumptions of law of demand. Assumptions of law of demand. कौन कौन से थे other factors? Prices of substitute goods remain constant. है ना, start ही हुआ था हमारा substitute से other factors तो. Prices of substitute goods remain constant. सब चीजों को हम फिक्स्ड कर देंगे, हम नहीं मानेंगे कि इसमें कोई चेंजेस हो रहे हैं. ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें क्या बदलाव हो रहा है, हमें मतलब ही नहीं है, हमें बस अपने प्राइसेस पे ध्यान देना है, मुझे अपने गुड्स की प्राइसेस से मतलब है, बाकी चीजों से मुझे कोई मतलब नहीं है. और क्या था, इनकम will not change. Tastes and preferences remain constant. Future expectations, हाँ इसमें हम लिख लेंगे बेटा, price will not change in future. ऐसे लिख दो इसको, प्राइस विल नॉट चेंज इन फ्यूचर. ओके, तो सिंपल सी बात है, हमें सिर्फ अपनी डिमांड जो है प्रोडक्ट की, क्वांटिटी डिमांड, उसका रिलेशनशिप अपने प्राइस से हमें रखना है. कि अगर सपोज करो मैं मैगी खरीद रहा हूँ, तो मैगी की प्राइस क्या है मार्केट में, मुझे उससे मतलब है. अब ये यिप्पी नूडल्स कितने का बिक रहा है, या ये नॉर्थ सूपी नूडल्स जो है वो कितने के बिक रहे हैं, मुझे कोई मतलब नहीं है. मेरी इनकम में कितना चेंज हो गया, बढ़ी है या घटी है, मुझे कोई मतलब नहीं है. ठीक है, टेस्टेस एंड प्रेफरेंसेस क्या चल रहे हैं, लोग चाहते भी हैं मैगी को खरीदना, तो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है. ठीक है, मुझे सिर्फ इससे मतलब है कि मेरी जो मैगी नूडल्स है उसके प्राइसेस क्या है. तो दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिमांड. और इसका लॉजिकल रीजन बेटा ये है कि लॉ ऑफ डिमांड किसका रिलेशन है, प्राइस का और क्वांटिटी डिमांड का. ठीक है, एक कमोडिटी के प्राइस का और उसकी क्वांटिटी डिमांड का. तो यार बाकी सारी चीजें आप कांस्टेंट कर दो ना, बाकी सारी चीजें अगर चेंजेस होते गए तो वो इन्फ्लुएंस कर देंगे डिमांड को. तो एक टाइम पे
तो हम एक ही चीज की स्टडी करेंगे ना, एक चेंजेस में, एक प्रोडक्ट में जो चेंजेस हो रहे हैं उसका इन्फ्लुएंस हम देखेंगे अपने दूसरे प्रोडक्ट पे। तो एक टाइम पे एक प्रोडक्ट का रिलेशन एक ही फैक्टर के साथ देखा जाएगा, ओके। इसीलिए हम बाकी सबको कॉन्स्टेंट कर देते हैं। अगर आप चाहते हो अपनी प्रोडक्ट की डिमांड और सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस के बीच में रिलेशन पढ़ना चाहते हो, ठीक है, तो आपको बाकी फैक्टर कांस्टेंट करने पड़ेंगे। फिर उसमें प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी भी आपको यू नो कांस्टेंट करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आपको देखना पड़ेगा सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस में चेंजेस होने की वजह से मेरी गुड्स की डिमांड पे क्या इफेक्ट आ रहा है। तो एक टाइम पे हम एक कमोडिटी का रिलेशन एक ही फैक्टर के साथ देखेंगे, ठीक है, बाकी सबको फिक्स कर देंगे। सिंपल सी बात है, ओके। उसके बाद हमारा क्या आता है, जो हमने देखा था ना डिमांड शेड्यूल, अब आप इसमें ना एक को डायग्राम बना लो बस, ठीक है। क्योंकि हमने क्या पढ़ा, लॉ ऑफ डिमांड जो है वो इनवर्स रिलेशनशिप बता रहा है प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में। तो जो हमारा कर्व होगा, डिमांड कर्व, वो कैसा होगा, अपवर्ड या डाउनवर्ड, बताएं बच्चे, डाउनवर्ड होगा या अपवर्ड होगा? अभी तक तो आपने शेप देख ही लिया है डिमांड का कैसा होता है। क्या कहते हो बच्चों, बताओ, डिमांड का जो स्लोप होता है या कर्व होता है वो अपवर्ड होता है डाउनवर्ड? ठीक है, कह रहे हो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना, तो सिंपल है तो सब आंसर करें। डिमांड जो होता है वो हमेशा डाउनवर्ड होता है, ठीक है। लेफ्ट टू राइट, हम कहाँ हैं, लेफ्ट पोजीशन पे हैं और हम धीरे धीरे अपने राइट की ओर बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो आप इसमें लिख लेना, डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके, डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इसका इम्प्लीकेशन ये है कि सपोज करो आपका प्राइस ये था, तो क्वांटिटी आप इतनी परचेज कर रहे थे, दिस इज योर प्राइस एंड दिस इज योर क्वांटिटी, ठीक है। प्राइस आपका वर्टिकल एक्सिस पे है ना, तो प्राइस जो है वो इतना है और उसके करेस्पॉन्डिंग क्वांटिटी जो है वो इतनी है, ठीक है। अब आप सपोज करो मैं प्राइसेस को कम कर दूं, ठीक है, आप देख सकते हो पहले जो प्राइस था उसका जो गैप है वो लंबा है और अब जो प्राइस है वो छोटा सा है कि, तो उसकी वजह से क्वांटिटी पे इफेक्ट देखो, पहले क्वांटिटी इतनी थी, ठीक है, अब कितनी हो गई है, अब ज्यादा हो गई है, ओके। तो सपोज करो आप ए पॉइंट पे थे, अब आप आ चुके हो बी पॉइंट पे, डाउनवर्ड्स, डाउनवर्ड्स आते हैं, तो सब ये चीज अभी ध्यान रख लो, डिमांड कर्व में डाउनवर्ड मूवमेंट होने का मतलब ही यही है कि प्राइसेस कम हुए हैं और डिमांड बढ़ी है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो ये देखो, प्राइसेस हमारे पहले पी थे, अब हमने पी वन कर दिया, हमने प्राइसेस को डिक्रीज कर दिया, ठीक है, एरो पे ध्यान रखना। क्वांटिटी ये थी पहले, अब न्यू क्वांटिटी हमारी क्यू वन हो गई है, तो डिमांड में कितना चेंज आया, इतना चेंज आया, प्राइसेस हमने कर दिए कम, उसकी वजह से डिमांड जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी डिमांड वो हमारी बढ़ गई, सिंपल सी बात है, ठीक है। अगर हम प्राइसेस बढ़ा दें, पी टू इज आर प्राइस नाउ, मैंने और प्राइसेस बढ़ा दिए, तो उस पर क्वांटिटी डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, खुद ही देख लो, आपकी क्वांटिटी कितनी कम रह गई है, जो नीचे वाले प्राइसेस है ना उससे भी कम रह गई है क्वांटिटी, क्योंकि आपने प्राइसेस बढ़ा दिए हैं, प्राइसेस का गैप तो देखो कितना लंबा है। तो यहाँ पे देखो, पहले आप ओरिजिनली क्यू पे थे, फिर प्राइसेस आपने कम किए तो आप क्यू वन पे आ गए, बढ़ गए, अब आपने क्या किया, सीधा पी टू पे पहुंच गए, आपने प्राइसेस हाई कर दिए, तो आपका जो ओरिजिनल पोजीशन है अब वो आप पीछे आ जाओगे, ठीक है, तो आप बैकवर्ड शिफ्ट, बैकवर्ड मूवमेंट हो जाएगा आपका बिकॉज ऑफ राइज इन प्राइसेस, ठीक है। तो नॉर्मल सी बात है, इनवर्स रिलेशनशिप है, प्राइस बढ़ा डिमांड कम हुई, प्राइस कम हुआ डिमांड बढ़ गई, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं,
इम्प्लीकेशंस नोट करेंगे बेटा इसके, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमने डिमांड कर्व अभी ड्रॉ किया ना, उसका स्लोप्स डाउनवर्ड क्यों होता है, क्या हम स्लोप को मेजर कर सकते हैं, ओके, ये कुछ बातें हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, हेडिंग डालेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द कर्व, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट डिमांड कर्व। Important points about demand curve के बारे में कुछ खास बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है, ठीक है। पहली बात क्या है, slope of demand curve measures the change in the variable, the change in the variable on y-axis divided by change in the variable on x-axis। तो स्लोप का मतलब क्या होता है, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, दैट इट मेजर्स द चेंज इन वेरिएबल ऑन वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज इन द वेरिएबल ऑन एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला भी लिख लेते हैं स्लोप ऑफ डिमांड कर्व का, हमें डेफिनेशन से ही फॉर्मूला भी मिल चुका है कि y एक्सिस पे जो वेरिएबल है उसमें अगर हम चेंजेस करें और डिवाइड कर दें x एक्सिस का जो वेरिएबल है उसमें अगर कोई चेंजेस हुए हैं तो, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ, जब हम डिमांड कर्व ड्रॉ करते थे, ओके, तो उसमें y एक्सिस पे कौन सा वेरिएबल होता था और x एक्सिस पे कौन सा वेरिएबल होता था, टेल मी। y एक्सिस पे प्राइस, वेरी गुड, एक्सेसिस क्वांटिटी डिमांड, यस। तो यस, तो अल्टीमेटली आगे क्या हुआ, दैट मींस वी आर मेजरिंग द चेंज इन प्राइसेस डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, और सिंपली क्यू से भी हम डिनोट कर सकते हैं क्वांटिटी पे क्या इफेक्ट पड़ा, राइट, यही है। तो स्लोप ऑफ डिमांड कर्व का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा पी डिवाइड बाय डेल्टा क्यू, ओके। प्राइसेस पे क्या चेंजेस हुए, दैट इज डिवाइड बाय दी चेंजेस इन क्वांटिटी। आपको पता है ना इकोनॉमिक्स में जो चेंजेस होते हैं उसको हम डेल्टा से मेजर करते हैं, डेल्टा, ओके। डेल्टा का मतलब है न्यू माइनस ओल्ड, ओके। तो सपोज कीजिए यहाँ पे मैं आपको एक जैसे हमने वो बनाया था ना शेड्यूल, प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स एंड क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी एक्स, एक सिचुएशन लेके चलते हैं, ठीक है। प्राइसेस हम इंक्रीज कर रहे हैं 10, 20, 30, 40, ओके। अब क्वांटिटी अब दिख रहा है रिलेशन कैसा होने वाला है, इनवर्स ही होने वाला है। तो अगर मैंने प्राइसेस बढ़ाए हैं तो क्वांटिटी कम होगी, ठीक है। तो 50, 40, 32, ओके, एंड सपोज कर लो इसको हम ले लेते हैं 20, ओके। दिस इज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर एंड दिस इज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, क्योंकि इनवर्स रिलेशन होता है प्राइस और क्वांटिटी का बीच में। प्राइसेस जो है वो रुपीज में मेजर किए जाते हैं, क्वांटिटी जो है वो यूनिट्स में मेजर की जाती है, गॉट इट। अब साफ सीधी सी बात है, जब व्हेन हमें स्लोप मेजर करना है तो हमें दो चीज तो चाहिए ना, प्राइस ये थी और ये हो गई, क्वांटिटी ये थी और ये हो गई। तो जब व्हेन पी इज इक्वल्स टू 10, क्यू इज इक्वल्स टू 50, राइट, बट व्हेन पी इज चेंज्ड इट बिकम 20, सो योर न्यू क्वांटिटी इज 40, ओके।
जब प्राइसेस 10 थे क्वांटिटी 50 यूनिट्स की थी, जब प्राइसेस हमारे बढ़ गए 20 रुपीज हो गया तो क्वांटिटी हो गई 40 यूनिट्स की। नाउ मेजर द स्लोप ऑफ डिमांड। स्लोप ऑफ डिमांड कर्व मेजर कीजिए एक बार, जो कर्व पे पॉइंट्स बनेंगे उस पे आपके क्या क्या स्लोप होंगे बेसिकली। तो स्लोप ऑफ डिमांड कर्व यहाँ पे जब ये इंफॉर्मेशन है तो कितना होना चाहिए, फॉर्मूला हमें पता है डेल्टा पी बाय डेल्टा क्यू। डेल्टा पी को हम बोलते हैं पी वन माइनस पी एंड डेल्टा क्यू इज क्यू वन माइनस क्यू। पी वन इज योर न्यू प्राइस एंड पी इज योर इनिशियल प्राइस। क्यू वन इज द न्यू क्वांटिटी एंड क्यू इज द इनिशियल क्वांटिटी। कितना है न्यू प्राइस आपका 20 एंड ओल्ड प्राइस कितना था 10। क्वांटिटी कितनी थी पहले 50 है ना, नहीं Q1 है सॉरी Q1 40 हो गया है एंड योर इनिशियल क्वांटिटी वाज 50। गॉट इट, सिंपल है। तो क्या आएगा यहाँ पे 10 डिवाइड बाय माइनस का 10। माइनस का साइन किसी एक वेरिएबल में तो बेटा जरूर होगा, क्यों, क्योंकि हम इनवर्स रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं, कॉमन सेंस वाली बात है ये, तो इनवर्स रिलेशनशिप है तो इसका मतलब एक चीज बढ़ रही होगी और दूसरी चीज घट रही होगी। पी माइनस पी वन नहीं, नहीं बेटा, आपका फॉर्मूला जो चेंज का होता है ना जब भी हम मेजर करते हैं स्वयं, वो आपका पी वन माइनस पी होता है। न्यू में से ही तो हम ओल्ड माइनस करते हैं, ठीक है। वैसे तो कुछ भी ले लो, पी वन माइनस पी वन और क्यू माइनस क्यू वन, इनवर्स रिलेशनशिप तो आना ही आना है, ठीक है। पर हमेशा डेल्टा जो मेजर किया जाता है, दिस इज द समथिंग यू नो जो बहुत पहले आप लोगों को बता दिया होगा, हमेशा ऐसे निकाला जाता है न्यू माइनस ओल्ड करके, नॉट ओल्ड माइनस न्यू, ओके। तो पी वन माइनस पी एंड क्यू वन माइनस क्यू, ओके। आगे बढ़ते हैं, यस। सो एक चीज यहाँ पे पॉजिटिव है, साफ साफ दिख रही है कि प्राइसेस में इंक्रीज हो रहा है, तो प्राइस आपका पॉजिटिव है। डिमांड आपकी डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो आपका वो नेगेटिव है। तो यहाँ पे हमारा माइनस वन इज द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, ठीक है। माइनस वन इज द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। उसके बाद सपोज करो मैं आपको ये स्लोप मेजर करूं जब 20 से 30 हो गए हम, उसकी वजह से प्राइसेस जो है वो 40 से 32 हो गया। एक बार इसको मेजर करते हैं, बताइए कितना आएगा। आप लोग कैलकुलेट करो स्लोप जब प्राइस 20 से 30 हो गया और क्वांटिटी 40 से 32 हो गया। करेक्ट, वेरी गुड, ठीक है ध्रुव। हम ना हमेशा जो भी आंसर्स होते हैं ना इसके पॉइंट्स में डालेंगे। इलास्टिसिटी में आपने निकाला होगा ना, फ्रैक्शन को आप डेसिमल में कन्वर्ट करते होंगे, तो ये होगा आपका माइनस का 0.8। 5/4 इज अल्टीमेटली माइनस का 0.8, राइट। 5/4 आपने लिखा है, ये 4/5 होगा ध्रुव। फाइव बाय फोर क्यों हुआ, प्राइसेस जो है 20 से 30 हो चुके हैं, 10 उसमें है वो ऊपर रहेगा, ठीक है। क्वांटिटी 40 से 32 हो गई है, 8 यूनिट से तो डिक्रीज हुए हैं, तो नीचे आपका माइनस 8 होगा। सर वो मैंने दोनों को 2 से काट दिया था। अच्छा, ओके, ठीक है। नहीं मैंने ही कैलकुलेशन में थोड़ी मिस्टेक करी मेरे, ठीक है। 5/4 ही है यहाँ पे, ठीक है। इट विल बी इक्वल टू 1.25 माइनस का, या ये आएगा, मैंने रिवर्स कर दिया था 8/10 करके, ओके करेक्ट। माइनस 1/1.25, ठीक है। आप लोग फर्दर कर लोगे तो हो जाएगा। तो ऐसे ही स्लोप मेजर करते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अब।
चलिए, ये तो थी फर्स्ट बात, जो वो आपका था ना स्लोप ऑफ डिमांड का, मेजर्स द चेंज इन वेरिएबल ऑन वाई एक्सिस डिवाइड बाय चेंज इन वेरिएबल ऑन एक्स एक्सिस, उसको फर्स्ट पॉइंट दे देना, ठीक है? पहली बात थी वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में। अब हम सेकंड पॉइंट नोट करेंगे एक बार। सेकंड पॉइंट आपका ये है, आपका जो स्लोप है उसमें हमेशा नेगेटिव साइन क्यों आता है? स्लोप ऑफ डिमांड कर्व will always have a negative sign because slope of demand curve downwards. Negative relation between price and quantity demand. ये दूसरी बात थी कि क्यों होता है नेगेटिव स्लोप। ओके ओके, आगे बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट, जल्दी से नोट करते हैं इसको बेटा, फिर आएंगे अपने रीजंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड पे, ठीक है? शेप ऑफ डिमांड कर्व, द शेप ऑफ डिमांड कर्व कैन बी लीनियर और नॉन लीनियर। नॉन लीनियर को हम कर्वी लीनियर भी बोलते हैं, ठीक है? जो शेप है ना डिमांड कर्व का, वो आपका लीनियर भी होता है और आपका कर्वी लीनियर भी होता है, या जिसे हम नॉन लीनियर भी बोलते हैं, ठीक है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीनियर बताएंगे एक बार? क्या मतलब होता है लीनियर का? एनीवन? वेरी गुड आर्यन, एकदम ठीक है। हाँ कृतिका, ये भी कंसिडर किया जाएगा, पॉइंट्स ऑन सेम लाइन, पॉइंट्स ऑन सेम लाइन तो विच इज गुड। ओके ठीक है, वो तो कर्वी लीनियर में भी हो सकता है, सेम ही लाइन पे पॉइंट्स हो वो तो कर्वी लीनियर में भी पॉसिबल है। विल बी ऑफ स्ट्रेट लाइन, इसमें आपको ये देखना है, लीनियर का मतलब होता है जब हम पॉइंट्स कुछ इस तरीके से प्लॉट करें और फिर वहां से हम एक लाइन ड्रॉ करें या कर्व ड्रॉ करें तो हमें सीधा वो स्ट्रेट लाइन मिले। लीनियर रिलेशन का मतलब क्या होता है? स्ट्रेट रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन। It means shape of demand curve will be of straight line. Straight line होगा एकदम। Okay, ना इधर मुड़ेगा ना उधर मुड़ेगा, एकदम straight line होगा। Like this. कुछ ऐसा, एकदम सीधी line. और इसमें क्या होगा? इट मींस शेप ऑफ डिमांड कर्व विल नॉट बी ऑफ स्ट्रेट लाइन, इट कैन फॉर्म एनी शेप। डाउनवर्ड तो होगा ही, वो रिलेशन तो ब्रेक नहीं हो सकता, जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोप होता है, बट शेप कुछ भी हो सकती है, कर्व फॉर्म में भी हो सकता है आपका, लाइक ऐसा हो जाए, ठीक है, ऐसा हो जाए, ऐसे भी हो जाए, कैसा भी हो सकता है, ठीक है? नॉट, इट इज नॉट नेसेसरी कि ये स्ट्रेट लाइन ही रहे जैसा हमारा लीनियर के केस में है। ओके,
नॉन लीनियर का मतलब होता है कर्वी लीनियर, ठीक है। तो कर्वी लीनियर मतलब भी यही है कि आपका एक कैसा भी कर्व बन सकता है, बट हाँ रहेगा डाउनवर्ड ही, फ्लैटर हो, स्टीपर हो, थोड़ा सा इधर से उठा हुआ हो, उधर से थोड़ा फ्लैटर हो जाए, ठीक है। तो शेप कैसी भी हो सकती है, बट हाँ स्लोप्स रहेगा उसका डाउनवर्ड। इसका रीजन पता है क्यों होता है बेटा? स्ट्रेट लाइन में ना, स्ट्रेट लाइन तब बनती है जब आपका क्वांटिटी जो है ना और प्राइस जो है वो फिक्स्ड रेशो से चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। फिक्स्ड रेशो में जब चेंजेस हो रहे हैं तो आपका स्ट्रेट लाइन बनेगा। एक एग्जांपल से बताता हूँ, देखो दो शेड्यूल बनाओ अपने, ठीक है, एक लीनियर का एक नॉन लीनियर का, उसी के नीचे डाल देना। जैसे इस साइड लीनियर और नॉन लीनियर है ना, इसको हम समझ लेते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। लीनियर के नीचे एक शेड्यूल बनाओ और नॉन लीनियर के नीचे भी एक शेड्यूल बनाओ। शेड्यूल में एक जगह प्राइस रखो और एक जगह क्वांटिटी डिमांड रखो। हमने एक कमोडिटी सपोज कर ली है एक्स, ठीक है, एक हमने क्वांटिटी सपोज कर ली एक्स और उसका हम मेजरमेंट देख रहे हैं, प्राइस और क्वांटिटी का रिलेशन। देखो प्राइसेस हो गए हैं 10, 20, 30, 40 और 50, ठीक है। इसको ऐसे करो, क्वांटिटी तो गिरेगी ही गिरेगी अगर प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, तो ये हो गया 50, 45, 40, 35 और 30, ठीक है। ये लीनियर के नीचे रखो, अब एक नॉन लीनियर के नीचे बना लो शेड्यूल। Price of commodity X and quantity demand of commodity X, ठीक है। ये suppose करो वही है 10, 20, 30, 40, 50। अब prices को कम करो, 50 हो गया, 45 हो गया, 42 हो गया, 38 हो गया, उसके बाद 35 हो गया, ठीक है। तो भाई देखा जाए तो यहाँ पे relationship तो हमने establish कर दिया है, प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो क्वांटिटी डिमांड कम हो रहा है। दोनों केस में रिलेशनशिप जो है प्राइस और डिमांड का वो यहाँ पे एस्टैब्लिश हो चुका है। प्राइसेस बढ़ रहे हैं, क्वांटिटी कम हो रही है, प्राइसेस बढ़ रहे हैं, क्वांटिटी कम हो रही है, ठीक है। बट एक में क्या है, एक में फिक्स्ड प्रोपोर्शन से कम हो रही है, दूसरे वाले में क्या है, फिक्स्ड प्रोपोर्शन नहीं है, जितना मर्जी आए उतने यूनिट्स कम हो गए, ठीक है। तो अब वही देखो, रेशो मेजर करो, प्राइस और क्वांटिटी का रेशो मेजर करो कि किस रेट से ये चेंज हुए हैं, किस रेशो में, किस रेशो से इसका चेंज हुआ है। सब में आपको फिक्स नजर आएगा, देखो दिस इज आल्सो लाइक यू नो दिस इज 10, इसमें चेंजेस हुए, इसमें भी 10 रुपीज, इसमें भी 10 रुपीज, इसमें भी 10 रुपीज, ठीक है। इसमें आपका 5 यूनिट्स, इसमें भी आपका 5 यूनिट्स, इसमें भी 5 यूनिट्स और इसमें भी 5 यूनिट्स। तो कैसे बदल रहा है, 10:5 के रेशो में। पहला वाला तो हमारा खाली जाता है क्योंकि उसके ऊपर तो कुछ है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट वाला इज लाइक 10:5, अगला वाला भी आपका 10:5, नेक्स्ट भी आपका 10:5 एंड द नेक्स्ट वन इज 10:5, 2:1 का रेशो जिसे हम बोल सकते हैं इसमें, तो वो आपका इस्टेब्लिश हुआ है, फिक्स्ड रेशो है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो प्राइसेस, पहला वाला खाली, ठीक है, नेक्स्ट वाला 10 रेशो है प्राइस का और 5 है क्वांटिटी का। नेक्स्ट देखिए, रेशो फिक्स्ड है प्राइसेस के 10:10 रुपीज, ओके, पर क्वांटिटी का जो रेशो है ना वो बदल रहा है बेटा। देखो साफ सीधी सी बात है, इसमें पहले 5 यूनिट्स का चेंज हुआ, 45 से 42, दैट मींस 3 यूनिट्स है ना, 3 यूनिट कम हो गए। उसके बाद 42 से 38, 4 यूनिट्स कम हो गए। उसके बाद 38 से 35 हो गया, अगेन 3 यूनिट्स। तो क्या ये कोई फिक्स्ड रेशो आपको दिख रही है, ये 10:5 है, ये 10:3 है, ये 10:4 है, ये 10:3 है, भाई रेशो फिक्स्ड नहीं है, वहां पे रेशो फिक्स्ड है, ठीक है। अब जब इसको डिमांड पे मेजर करना, प्लॉट करना आप लोग घर पे, ठीक है,
यहां देखना ये कर्व बनेगा, ये आपका स्ट्रेट लाइन बनेगा। ओके एक बार ये बनाएंगे और मुझे आप लोग दिखाओगे, ठीक है? बताना मुझे। वैसे वैसे एक बार इसको देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है? कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, चलो मेजर कर ही लेते हैं। आप लोगों के कन्वीनियंट के लिए मैं यहाँ पे बना देता हूँ, जिन लोगों को क्लियर ना हो रहा हो उनको। बाकी बहुत सिंपल है, 10, 20, 30, 40, 50 प्राइसेस तो इसी पे आते हैं, और एक्स पे आपका क्वांटिटी डिमांड आता है। देखो यहाँ पे 10 पे 50 दिस, फिर 20 पे 45 दिस, 30 पे 40 दिस, 40 पे 35 एंड 50 पे 30। यही है पॉइंट्स, ज्वाइन कर लेंगे इसको। स्ट्रेट लाइन एकदम, देखो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है? उसको मेजर करो। देखो ये कैसे कर्व का शेप ले रहा है। ओके इस पॉइंट को थोड़ा सा यहाँ से लेके चलना था, थोड़ा सा हो गया ग्राफ, बट आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन नहीं बन रहा है। ओके और इस केस में आपका एकदम स्ट्रेट लाइन बना है, हेंस प्रूफ कि हमारा जो डिमांड का शेप है वो लीनियर भी हो सकता है एंड नॉन लीनियर भी हो सकता है। डिपेंड किस पे करता है कि इन विच रेशो डज द प्राइस एंड क्वांटिटीज आर चेंजिंग। ओके अगर प्राइस एंड क्वांटिटीज आर चेंजिंग इन द फिक्स्ड रेशियो तो फिर आपका लीनियर शेप होगा, अगर प्राइस और क्वांटिटी फिक्स्ड रेशियो में चेंज नहीं हो रहे हैं तो वो आपका कर्व बनेगा हमेशा, ठीक है? चलो आगे बढ़ेंगे, अब जल्दी से करते हैं। यहाँ पे ये पॉइंट हमारा खत्म है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट डिमांड कर्व। हेडिंग डालेंगे रीजंस फॉर लॉ ऑफ डिमांड, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। आपको MCQs में रीजंस दे सकते हैं कि इनमें से कौन सा रीजन है लॉ ऑफ डिमांड का। मैं मतलब आपको समझा दूंगा, इनर डिटेल में तो नहीं आएगा, पर हाँ डायरेक्टली वो आपसे MCQs में रीजंस पूछ लेंगे, ठीक है? तो आपको बस नाम पता होना चाहिए, बाकी तो उसके अंदर की बात क्या है वो मैं आपको समझा ही देता हूँ, ठीक है? फर्स्ट रीजन जो है वो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, एक बार नोट कर लो फिर मैं मतलब समझाता हूँ, ठीक है? पूरा फोकस अंडरस्टैंडिंग पे। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, अच्छा एक बार सारे बच्चे में ना चैट बॉक्स में यस नो बता दो मुझे कि आपको वो लीनियर और नॉन लीनियर का कॉन्सेप्ट क्लियर है, वो इंपॉर्टेंट है। हम सबको लगता है एक ही शेप होगा डिमांड कर्व का, ऐसा नहीं होता है, शेप कुछ भी हो सकती है। वेरी गुड, चलो सबको क्लियर है। रितु आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो आज, क्या है आपको क्लियर हुआ है? सृष्टि, रितु, ओके। उसके बाद हमारा इसमें आता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट,
और थर्ड पॉइंट जो आता है बेटा इसमें वो है इनकम इफेक्ट। और भी रीजंस होते हैं, लीस्ट इंपॉर्टेंट है बट लेकिन चलो नोट कर लेते हैं। फोकस ना आपको ये शुरू के जो ये तीन है ना उस पे बना के रखना है, अगर क्वेश्चन पूछेगा भी तो वो आपको इन तीन का ज्यादा वो कर सकता है। ओके मतलब ज्यादा ऑप्शंस जो होते हैं वो तीन ये होते ही होते हैं एमसीक्यूज में, ठीक है, क्योंकि ये मस्ट है, मस्ट रीजन बिहाइंड लॉ ऑफ डिमांड। समझते हैं एक बार इसको क्या है। देखो लॉ ऑफ डिमांड का मतलब क्या था, देयर एग्जिस्ट अ नेगेटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। हम सबको पता है डिमांड और क्वांटिटी के प्राइस के बीच में नेगेटिव रिलेशन होता है, ठीक है, उल्टा होता है, पर भाई ये अपने आप ही नहीं हो जाता। जो हम बोलते हैं ना प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो डिमांड कम हो रही है, तो ये अपने आप ही नहीं हो जाता, इसके पीछे ये तीन रीजंस हैं। ओके इन इन तीनों की वजह से अफेक्ट होता है डिमांड, जिसकी वजह से अगर मैं प्राइसेस को बढ़ा दूं तो डिमांड अपने आप ही कम हो जाएगी, ठीक है। रीजन क्या है, पहला लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ओके लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हम पढ़ेंगे कंज्यूमर बिहेवियर में भी और आप लोगों ने पढ़ा होगा। लॉ ऑफ डीएमयू ये होता है कि किसी भी प्रोडक्ट को जब हम ज्यादा कंज्यूम करते हैं, किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को जब हम ज्यादा कंज्यूम करते हैं तो उससे मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है वो फर्दर डिक्लाइन होने लगता है, कम होने लगता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको बहुत ज्यादा भूख लगी है, ठीक है, आपने एक बर्गर खाया, आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिला, ठीक है, एक बर्गर खाने से आपकी भूख जो थी वो थोड़ी शांत हो गई, ठीक है, पर मेयरली एक बर्गर जो है वो काफी नहीं है पूरी भूख को मिटाने के लिए, तो आपने सोचा चलो दो तीन बर्गर और कंज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, तो आपने एक और बर्गर खाया, अभी आपको नीड है एक और की, अभी आप एक और खा सकते हो, तो आपने तीन ऐसे करते करते आपने तीन बर्गर खा ली, ठीक है। बात यहाँ पे ये है कि जो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन है वो आपको फर्स्ट वाले बर्गर से मिला होगा, क्यों, क्योंकि तब आपका ना हंगर एकदम पीक पे था, बहुत भूख लगी थी आपको, आपको कुछ भी खाने की जरूरत थी, ठीक है, तो आपको तो पता ही है जब भी हमें ज्यादा भूख लगती है तो ऐसे में कुछ खाने को मिल जाता है तो उससे जो हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है वो अलग ही लेवल का होता है, क्यों, क्योंकि उससे हमें टेस्ट पता चलता है, उसका टेस्ट हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं, बहुत अच्छा लगता है तो हम उसको यू नो कितना मतलब ज्यादा अप्रिशिएट भी करते हैं, उसको कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा खाएं, ठीक है। तो पहला वाला जो यूनिट था आपका कमोडिटी का, उससे आपको सेटिस्फेक्शन हाई मिला होगा, नई नई चीजें थी, नए नए फ्लेवर थे, आपको टेस्ट अच्छा लगा, नया खाने को मिला, ठीक है, तो सेटिस्फेक्शन पहुंचा एकदम हाई पे, आपको बहुत पसंद आया, और जब आपको बहुत पसंद आया तभी तो आप चाह रहे हो कि मैं और फर्दर कंज्यूम करूं, पर लेकिन जो सेटिस्फेक्शन है ना सेकेंड और थर्ड बर्गर से वो उतनी नहीं मिलेगी जितना आपको फर्स्ट बर्गर से मिली थी, क्योंकि एक तो पहली बात ये टेस्ट अब आप पहचान चुके हो, ठीक है, आपके पहला बर्गर खाने से पहले आपको नहीं पता था क्या टेस्ट मिलने वाला है मुझे, तो आपने जब पहला बर्गर खाया तो आपको टेस्ट बहुत अच्छा लगा, तो वही टेस्ट तो अब सेकेंड और थर्ड बर्गर में भी मिलेगा, कोई नई बात थोड़ी ना, तो टेस्ट डिफर हो गया, और क्या डिफर होगा जिसकी वजह से सेटिस्फेक्शन कम हो जाता है, वो ये है कोई प्राइसेस तो आपको ऐसा है नहीं कि कम आपसे चार्ज कर रहे हो वो, ठीक है, कि मान लो 50 रुपए का बर्गर था तो आपसे सेकेंड बर्गर भी वो 50 रुपए का ही लेंगे, तो कोई नई बात तो इसमें है नहीं, जो आप बोलो बड़ी खुशी खुशी खाने जाओ और बोलो अरे बाप रे बहुत सारा सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है, प्राइसेस कम हो गए अब तो, ऐसा तो है नहीं, ठीक है। और क्या है, आपकी भूख भी तो कुछ शांत हो गई होगी ना एक बर्गर खाने के बाद, जो एकदम से पीक पे था हंगर अब वो कुछ शांत हुआ होगा, ठीक है, तो सेटिस्फेक्शन इसीलिए डिक्लाइन होने लगता है क्योंकि हम किसी भी कमोडिटी को ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करेंगे तो हमें उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन जो है वो फर्स्ट यूनिट का ज्यादा होगा, सेकेंड यूनिट जो है वो फर्स्ट यूनिट से कम होगा, सिमिलरली थर्ड यूनिट जो हम कंज्यूम करेंगे तो वो सेकेंड वाले से कम होगा, और ये फर्दर पहुंचते पहुंचते जीरो हो जाता है जिसे हम डिसयूटिलिटी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक रीजन आपका प्राइसेस अगर मैं बढ़ा दूं तो आप डिमांड क्यों कम कर देते हो, वो एक रीजन है डीएमयू का, कि आप कंज्यूम कर रहे हो ठीक है भाई, अब तुमने प्राइसेस में इंक्रीज कर दिए तो मुझे कोई नया फायदा तो हुआ नहीं है, मैं तो सेम प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहा था, ठीक है, सेटिस्फेक्शन मुझे उससे उतना ही मिल रहा था,
अब प्राइसेस अब तुमने बढ़ा दिए, मेरे लिए कोई नई बात तो है नहीं कि नया प्रोडक्ट मुझे मिल रहा है, या तुमने प्राइसेस इसलिए बढ़ाए हैं कि तुम कुछ उसमें नया कुछ ऐड करके नए फ्लेवर्स डाल रहे हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, लॉ ऑफ डीएमयू इज सिंपली सेइंग कि किसी भी कमोडिटी को हम कंज्यूम करते रहते हैं, और सपोज करो बीच में प्राइसेस बढ़ा दिए जाए तो ऑब्वियस ही बात है आप डिमांड तो उसकी इंक्रीज करोगे नहीं। ठीक है, क्योंकि सेटिस्फेक्शन तो आपका ऑलरेडी डिक्लाइन हो रहा था। हाँ, यहाँ पे आके आप डिमांड बढ़ा सकते हो एक रीजन से, अगर प्राइसेस कम कर दिए जाए। सपोज करो आपने 3 बर्गर खा लिए, ठीक है, भूख अभी भी आपको थोड़ी सी, पर आपको लग रहा है कि यार 50 रुपए और एक्स्ट्रा देना ना मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी, मैं एक्स्ट्रा एक्सपेंस अब नहीं कर सकता। हाँ, 200 रुपए में मैं बर्गर खाऊं, अब मे बी आपकी नीड भी कुछ और हो, ये 50 रुपए बचाता हूँ किराए का ही लग जाएगा। ठीक है, तो आप कह रहे हो मैं जो 4th बर्गर है ना वो नहीं अफोर्ड कर पाऊंगा, लेकिन भूख अभी भी है, तो आपको सामने जो रिटेलर है ना, जो स्टोर का था वहां पे लोग जो थे, उन्होंने बोला आपको ओनर ने कि ठीक है अब हम क्या करते हैं, 4th बर्गर है ना आपने इतना खाया 50 पे कोई बात नहीं, 4th बर्गर है तो हम आपको ना 30 पे दे देते हैं, 30 रुपए पे दे देते हैं, तो अब आप बताओ आप खाना चाहोगे कि नहीं खाना चाहोगे। सिंपल सी बात है यार, खाना चाहोगे। ठीक है, अब क्या हुआ है, सेम रेट तो नहीं मिल रहा ना आपको, रेट उसने कम कर दिया है, तो आप ऑब्वियस सी बात है अट्रैक्ट हो जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, लॉ ऑफ डीएमयू भले चल रहा था, ठीक है, पर प्राइसेस कम कर दिए, इस वजह से डिमांड बढ़ गई। ओके, तो यहाँ पे यही रीजन होता है कि डीएमयू जो है ना वो इफेक्ट कर देता है हमारे कंजम्पशन पैटर्न पे, जिसकी वजह से प्राइसेस में मैं अगर बढ़ा दूं या घटा दूं तो डिमांड अपने आप ही कम हो जाएगी। अगर मान लो यही बर्गर 4th वाला जो है 50 से मैं 60 कर देता तो आप बोलते कि भाई अब तो जा, अब तो बिल्कुल भी नहीं खाऊंगा। ठीक है, 50 के मिल रहे थे पुराने वाले, तो मुझे 4th वाला 60 का देगा, तब तो आप ऑब्वियसली बात है आप वहां पे कंजम्पशन कम ही कर दोगे। ठीक है, तो लॉ ऑफ डीएमयू इज वन ऑफ द रीजन बिहाइंड इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू द इंक्रीज और डिक्रीज इन प्राइसेस। ओके, सेकेंड रीजन आपका क्या है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अच्छा, प्राइसेस में जब हम इंक्रीज या डिक्रीज करें तो उससे जो हमारी कमोडिटी की डिमांड बदल जाती है उसके पीछे जो रीजन है ना वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कैसे, कि मान लो जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं कोक और पेप्सी का। ठीक है, आप ना कोक खरीदना चाहते हो, ठीक है, तो अगर आप कोक खरीदना चाहते हो तो आप उसके प्राइसेस को देखोगे, ठीक है, प्राइसेस क्या है, और सिर्फ उसके ही प्राइसेस नहीं देखोगे, आप ये भी देखोगे कि उसके जो कंपटीटर्स हैं, जो सब्स्टिट्यूट हैं, उनके क्या प्राइसेस हैं। ठीक है, तो सपोज करो आपने क्या किया, मार्केट में क्या हुआ, सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइसेस बढ़ गए। ठीक है, सब्स्टिट्यूट के प्राइसेस बढ़ गए, दैट मींस पेप्सी जो है उसके प्राइसेस अब इंक्रीज हो गए, तो क्या होगा, सब्स्टिट्यूट की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी, और हमारे जो अपनी कमोडिटी है जो हम खरीदना चाहते थे उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो आपको पता है ये जो प्राइसेस कम होते हैं जिस भी प्रोडक्ट के, लोग उसकी डिमांड ज्यादा क्यों कर देते हैं, क्योंकि अब वो हमें ज्यादा यू नो चीपर मिल रहा है और उसके सब्स्टिट्यूट जो है वो एक्सपेंसिव है। आप शौकीन थे पेप्सी पीने के पर उसके प्राइसेस इंक्रीज हो चुके हैं, तो आप क्या करोगे, पेप्सी पीना ही छोड़ोगे। ठीक है, पर ऐसा तो है नहीं कि आपके पास सब्स्टिट्यूट नहीं है, सब्स्टिट्यूट तो है, आप अपना शिफ्ट कर दोगे कंजम्पशन पैटर्न। मार्केट में जब चॉइसेस अवेलेबल होते हैं तो हम अपना कंजम्पशन बंद थोड़ी ना कर देते हैं, हम तो कंजम्पशन पैटर्न ही मतलब चेंज कर देते हैं, कंजम्पशन बंद नहीं करते। नूडल्स जब बंद हुए थे मैगी की प्रोडक्शन कुछ टाइम पीरियड के लिए, लोगों ने नूडल्स खाना तो छोड़ा नहीं था, फिर यिप्पी की सेल बढ़ी थी, नए नए और मैगी आ गए थे और नूडल्स आ गए थे। ठीक है, तो लोग कंजम्पशन नहीं छोड़ते हैं, पैटर्न बदल देते हैं, क्योंकि जो बाकी सब्स्टिट्यूट्स है ना वो चीप हो जाते हैं। तो ये भी एक रीजन हो सकता है कि अगर प्राइसेस को कम कर दें तो डिमांड क्यों बढ़ती है, और प्राइसेस को बढ़ा दें तो डिमांड क्यों कम होती है, क्योंकि उसके सब्स्टिट्यूट जो है ना वो एक्सपेंसिव या चीप हो जाते हैं इस वजह से। ओके, थर्ड रीजन है हमारा इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट क्या है, कि जब प्राइसेस बढ़ते या घटते हैं ना तो वो डायरेक्टली अफेक्ट किसको करते हैं, इनकम पे, और वो इनकम आपका अफेक्ट करती है डिमांड। ओके, जैसे सपोज करो आप क्या कर रहे हो, आपके पास ना पैकेट में पॉकेट में ना 100 रुपए है। ठीक है, 100 रुपए है, अब आप एक कोक की बोतल खरीद रहे हो, ठीक है, सपोज करो वो 60 रुपीज पर बोतल है,
तो आपके जेब से जब आपके पास 100 रुपए हैं तो उसमें से 60 रुपए आपको ना कोक के देने पड़ रहे हैं, ठीक है। 40 आपके पास बचे हुए हैं, आपकी इनकम है वो रिमेनिंग इनकम, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, सपोज करो मैं कोक की प्राइसेस बढ़ा दू, मैं 60 से 70 कर दू, तो 60 से अगर मैं 70 कर देता हूँ कोक के प्राइसेस, तो साफ सीधी बात है आपके पॉकेट मनी पे इफेक्ट डालेगा, आपकी इनकम पे इफेक्ट डालेगा। पॉकेट मनी आपकी इनकम है ना, जो पैसे आपके पास पड़े हुए वो आपकी इनकम है, ठीक है। तो वो जो है इनकम उस पर वो इफेक्ट डालेगा, और ये जो इनकम पे जो इफेक्ट डालेगा इसकी वजह से डिमांड पे इफेक्ट पड़ेगा। पहले 100 रुपए थे तो 60 रुपए प्राइसेस थे, तो चलो 60 रुपए पे खरीद लिया, 40 रुपए बचे रह गए। अब 70 प्राइसेस हो चुके हैं, तो आप सोचोगे कि पहले 40 बच रहे थे, अब सिर्फ 30 बचेंगे, क्या करूं, खरीदूं कि नहीं खरीदूं। और ऑब्वियस ही बात है, जब हमारे पास इनकम इतनी ही हो तो जो प्रोडक्ट हम पहले कम पे खरीद रहे थे और अब हमें ज्यादा पे वो मिल रहा है, तो हम उसके डिमांड कम कर देते, ठीक है, क्योंकि हमारी इनकम नहीं बची ना उतनी, ठीक है। यही रीजन तो होता है ना, जब लोग अमीर से गरीब हो जाते हैं तो उनका पैटर्न बदल जाता है कंजप्शन का, है ना, क्योंकि अब वो लोग वो चीज अफोर्ड नहीं कर सकते, कहते हैं ना हैसियत में नहीं है हमारी, ठीक है, हमारी औकात नहीं है इसे खरीदने की। वो क्यों नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास इनकम नहीं है। अगर इनकम है तो फिर ये बात तुम बोलोगे, क्यों बोलोगे ये बात, जब इनकम है तो खरीदो ना जो तुम्हारा मन है, ठीक है। तो डिमांड जो है वो प्राइस को ऐसे रिफ्लेक्ट करती है बिकॉज ऑफ दिस इनकम इफेक्ट, ठीक है। इनकम में चेंजेस होने की वजह से भी जो डिमांड है वो बदल जाती है प्राइस के रिस्पॉन्सिवनेस की वजह से, ठीक है। तो प्राइसेस को बढ़ा देंगे तो कंज्यूमर की जो रियल इनकम है वो कम हो जाएगी। रियल इनकम मतलब जो उसकी परचेसिंग पावर है, जिस इनकम की हेल्प से वो खरीदारी करता है, वो रियल इनकम होती है, ठीक है। दो तरीके की इनकम होती है, रियल इनकम और मनी इनकम। रियल इनकम है जो आपके पास अवेलेबल है, जिसपे से आप बेसिकली स्पेंड कर रहे हो, और मनी इनकम होती है जो आप कमाते हो। जो आप कमाते हो ना, पहले उसमें से बहुत सारे डिडक्शन होते हैं, कुछ पार्ट तो आपके एम्प्लॉयर्स ही रखते हैं, कुछ पार्ट आपका टैक्स का जाता है, कुछ आप सेविंग्स करते हो, ठीक है। मनी इनकम वो है, रियल इनकम वो है कि एक्चुअल में कितना बचा है जिसको मैं स्पेंड कर सकता हूँ। तो जो एक्चुअल में बचा है ना, वो आपको इफेक्ट कर देता है आपकी डिमांड पे, ओके। तो दिस इज वन ऑफ द रीजंस, थ्री रीजंस बिहाइंड रीजंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। चौथा क्या है, अवेलेबल ऑफ मोर कंज्यूमर्स, ठीक है। जितने ज्यादा कंज्यूमर्स अवेलेबल होंगे भाई, प्राइसेस बढ़ा दो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर ज्यादा कंज्यूमर्स है ना, तो तुम्हारा मार्केट बन सकता है, ठीक है। पर अगर कंज्यूमर्स कम है, फिर तुम प्राइसेस में जो चेंजेस करोगे ना, उसकी वजह से बहुत इफेक्ट पड़ेगा। तुम्हारे पास कंज्यूमर ही लिमिटेड है, और क्या पता वो जो लिमिटेड कंज्यूमर है वो सिर्फ एक ही सोसाइटी से बिलोंग करते हो, तो फिर तो और बुरी बात है, ठीक है। अगर कोई गुड्स था वो मिडिल क्लास लोगों के लिए था, वो लोग अफोर्ड कर रहे थे, और वो लोग लिमिटेड नेचर के थे, तो अगर तुमने उनकी प्राइसेस को बढ़ा दिया, उनकी गुड्स एंड सर्विसेज को, तो मिडिल क्लास वाला तो हो गया ना, अब वो कंजम्पशन ही नहीं कर पाएगा, मार्केट ही नहीं बन पाएगा। तो जितने ज्यादा कंज्यूमर्स मिलते जाते हैं, उतने ही चांसेस हैं कि अगर हम प्राइसेस को इंक्रीज करें तो चलो डिमांड कम होगी, बट मे बी प्रॉफिट पे इतना अफेक्ट ना डाले। रिलेशन तो वही रहेगा, प्राइसेस बढ़े हैं तो डिमांड कम होगी, ठीक है। पर इतनी भी ना हो जाए ना कि प्रॉफिट जो मार्जिन ना रह जाए, प्रोड्यूसर कुछ बना ही ना पाए, प्रोड्यूसर मार्केट से एग्जिट कर जाए, क्योंकि उसकी गुड्स के लिए कोई जगह ही नहीं बची है मार्केट में, ओके। तो ये रीजन होता है बेसिकली लॉ ऑफ डिमांड। तीन पे फोकस करना है, लॉ ऑफ डीएमयू, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट पे, ठीक है। उसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। ये तो हमने रीजंस की बात कर दी, ठीक है। आई होप क्लियर है ये आपको, ठीक है। एक बार इस पे यस नो बोल देना बेटा, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है। रीजंस क्लियर है, आगे बढ़ लेते हैं आप, ओके। हेडिंग डालेंगे, एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड। एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। अभी तक तो हम रीजन पढ़ रहे थे कि कहाँ कहाँ लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होता है और क्या रीजन है उसके पीछे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि जो लॉ ऑफ डिमांड है ना,
उसके एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस का मतलब क्या होता है कि जहां पे लॉ ऑफ डिमांड नहीं चलेगा। लॉ ऑफ डिमांड नहीं चलेगा मतलब क्या, प्राइसेस के बढ़ने की वजह से आपका डिमांड कम नहीं होगा, आपके डिमांड उल्टा बढ़ेंगे, ठीक है, पॉजिटिव रिलेशन हो जाएगा, लॉ ऑफ डिमांड नहीं चलेगा। तो वो एक्सेप्शंस क्या क्या है जरा देखते हैं। सबसे पहला जो है वो है इम्पोर्टेंट है गिफिन गुड्स। गिफिन गुड्स जिसे हम गिफिन पैराडॉक्स के नाम से भी जानते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं, ठीक है। बाकी सारे जो है वो तो बस एक्सप्लेनेशन पर्पज के लिए, लिखने के लिए कोई जरूरी नहीं है। गिफिन में आप एक बार वो नोट कर लो है क्या, ठीक है। गिफिन गुड्स इसमें लिखना दीज आर दोज गुड्स These are those goods which are inferior in nature, which are inferior in nature. एक तो आप ध्यान रखना गिफ्टन गुड्स का नेचर कैसा है, इंफीरियर टाइप का, लो क्वालिटी होते हैं, ठीक है, कोई ज्यादा खास नहीं होते। These are those goods which are inferior in nature, not inferior goods. Inferior goods और गिफ्टन गुड्स दो अलग बातें हैं, but होते तो inferior nature के। These are those goods which are inferior in nature and consumers spends larger income part of on the consumption of these goods. And consumers spend large part of their income, large part of their income on this good. एक तो ये लो क्वालिटी के होते हैं, ऊपर से कंज्यूमर्स जो है वो इस पे बहुत ज्यादा ही स्पेंड करते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता कि लो क्वालिटी चीजें तो लोग खरीदते नहीं है, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते वो लोग क्या करेंगे, सब लोग तो मैकडी का बर्गर अफोर्ड नहीं कर सकते ना, या हल्दीराम वगैरह पे जाके बैठ नहीं सकते, ठीक है। तो उन लोगों को क्या करना पड़ेगा, जो ठेले पे मिलते हैं वही तो खाना पड़ेगा, ठीक है। बहुत लोग होते हैं जो बेसिक कमोडिटी भी नॉर्मल नेचर की नहीं खरीद पाते हैं, ओके, जो उनकी सुपर क्वालिटी है वो भी नहीं हो पाता है, ठीक है। बेसिक जो मैं नॉर्मल जो हमारा बेसिक नेसेसिटी में ये दाल रोटी चावल जो होते हैं ये सब लोगों को ये भी हाई क्वालिटी के नहीं मिल पाते हैं, लो क्वालिटी ही मिलती है, तो क्या लोग एफोर्ड वो कंजम्पशन नहीं करते उनका, करते हैं। बट बात यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड नहीं चलता है। लॉ ऑफ डिमांड ना चलने का मतलब क्या है कि देयर डिमांड राइजेस, देयर डिमांड rises with increase in prices. Increase को मैंने arrow से denote किया है, increase in prices and demand reduces with fall in prices. अगर prices बढ़े तो demand बढ़ेगी, okay? और अगर प्राइसेस कम हो जाए तो डिमांड भी कम हो जाए। फॉर एग्जाम्पल इसमें बेटा ज्वार एंड बाजरा आता है, ठीक है। एक तो आपको खुद ही पता होगा ज्वार एंड बाजरा जो होते हैं ना वो कोई हाई क्वालिटी गुड्स नहीं है, ठीक है। ज्वार और बाजरा में कोई स्पेशलिटी नहीं मानी जाती कि आपका जो है वो हाई क्वालिटी का और लो क्वालिटी का, इट इज लाइक सिंगल पैटर्न है इसका, ठीक है, यूनिक है ये, यही है, इसे ही ज्वार बोलते हैं, इसे ही बाजरा बोलते हैं, इसे ही बार्ले बोलते हैं, ठीक है, यही आपका जो है। तो मेनली बात क्या है कि एक तो कंज्यूमर उतना ही, आप सोचो यहाँ पे गिफ्टन गुड्स का कंजम्पशन क्यों कर रहा हुआ है कंज्यूमर, क्योंकि उसके पास इतनी इनकम नहीं है, ठीक है। तो लो क्वालिटी की गुड्स इसलिए हैं बिकॉज ये लोग वही अफोर्ड कर पा रहे हैं जो लोग यू नो लो इनकम वाले। तो अगर आप इनके भी प्राइसेस में बढ़ा दोगे तो यार लोग जितना भी अफोर्ड कर पा रहे थे, जो भी वो लोग कंजम्पशन कर पा रहे थे लो क्वालिटी गुड्स, वो लोग छोड़ कैसे देंगे, उनका तो जीवन ही उस पे था। जैसे कहते हैं ना हमारे लिए बेसिक क्या है कि हमें एक अच्छी क्वालिटी में ये बेसिक खाने खाना जो है वो हमें मिलना चाहिए, ठीक है। इनके लिए ये मैटर नहीं करता कि क्वालिटी कैसी है, इनके लिए ये मैटर करता है कि हमें कंजम्पशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, हम भूखे तो नहीं मर रहे हैं ना, ठीक है। अब ये ज्वार और बाजरा से भी लो क्वालिटी तुम किसी को क्या दे दो, हाँ इससे नीचे वो क्या ही कंज्यूम करे अपना सर्वाइवल के लिए, इससे नीचे तो कुछ भी नहीं है। मेयरली ब्रेड पे, तो ब्रेड भी मैंने शायद हाई क्वालिटी बात कर दी बेटा, इसके नीचे तो कुछ है ही नहीं,
ठीक है, फिर इंसान खाएगा क्या, लो क्वालिटी में कम से कम ये भी आ गए, ठीक है। तो वही बात है कि ज्वार और बाजरा ऐसी चीजें बेटा हम लोग नॉर्मली कंज्यूम नहीं करते हैं, ठीक है। अब वो अलग बात है, पुराने जमाने में शौक होते थे लोगों के बाजरे की रोटी खानी है, वैसे कोई मतलब मुझे इतना अच्छा नहीं लगता वो, क्योंकि तो उनका टेस्ट जो है वो ठीक ठाक ही होता है, कोई खास बात नहीं लगती। अब जो लोग टेस्ट के वो होते हैं, ठीक है, जिन लोगों के लिए टेस्ट मैटर करता है, तो वो लोग ज्वार एंड बाजरा कभी भी प्रेफर नहीं करेंगे, ओके। तो वही बात है कि ये लो क्वालिटी है, बट इनकम जो है ना बहुत स्पेंड किया जाता है इस पे। तो भले आप इसकी प्राइसेस को बढ़ा दो, इसकी डिमांड नहीं कम होगी, क्योंकि इसके बाद ऑप्शंस नहीं बचते हैं। सर्वाइवल नीड्स कंजम्पशन, तो इसीलिए एटलीस्ट ये गुड्स तो जरूरी है कि हम सर्वाइवल तो कम से कम होता रहे ना हमारा। और इनके प्राइसेस बढ़ने के साथ इनकी डिमांड इसीलिए बढ़ जाती है कि कंजम्पशन तो करना पड़ेगा। अब प्राइसेस जब कम हो जाते हैं ना, तो इसकी डिमांड भी कम हो जाती है, वो तो नॉर्मल सी बात है ना। प्राइसेस कम हुए तो डिमांड इसलिए भी कम होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या है कि अब वो सोचेगा कि मैं इसको क्यों ही कंज्यूम करूं, ठीक है। एक तरीके से ये है कि वहां पे ना, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट चलता है। इस वजह से गिफिन गुड जो है ना वो एक्सेप्शन से लॉ ऑफ डिमांड, जब उसका प्राइसेस हाई हो रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो रहा है कि बेसिकली उसकी डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि इसमें यह है लोगों की इनकम जो है ना, इनकम इफेक्ट इज ज्यादा स्ट्रॉन्गर देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ओके। लोगों की इनकम तो उतनी रह गई ना, तो वो ज्यादा अफेक्ट कर रही है गिफ्ट गुड्स की डिमांड को, ओके। पर अगर प्राइसेस कम हो जाते हैं तो लोग सोचते हैं कि यार ठीक है, हम तो नॉर्मल दूसरा गुड्स भी खरीद सकते हैं ना, ठीक है। क्योंकि जब हम ज्वार और बाजरा, जब वो 30 रुपए का था, वो हम लोग खरीद रहे थे 1 किलो, ठीक है, अब उसके प्राइसेस कम हो गए, इनकम उतनी है, ठीक है, इनकम उतनी ही है, इनकम पे कोई इफेक्ट नहीं है, तो आपका क्या होगा, आपको तो लगे 30 रुपए पे मैं ज्वार और बाजरा तो खरीद ही रहा था। अब वही है कि बाजरे के प्राइसेस कम हो गए, तो मैं बाजरा क्यों खरीदूं, 30 रुपए लेके चलता हूँ, पैटर्न तो वही रहेगा, अब 30 रुपए पे कोई और गुड्स खरीदूंगा, ठीक है। तो इसलिए गिफ्ट गुड्स आपका एक्सेप्शन बन गया है, क्योंकि अगर प्राइसेस बढ़े तो डिमांड तो बढ़ेगी बढ़ेगी, क्योंकि लोग छोड़ नहीं सकते उसे खाना, ठीक है। और प्राइसेस कम हुए तो लोगों ने डिमांड भी कम कर दी, वो ये सोच के कि 30 रुपए पे ज्वार और बाजरा अफोर्ड कर रहे थे, तो 30 रुपए पे अब हम कुछ और क्यों नहीं खरीद सकते, जब इसके प्राइसेस कम हो गए हैं, ठीक है। तो ये एक लोगों की मेंटालिटी होती है, जिसकी वजह से आपका गिफ्ट एंड गुड जो है ना वो एक्सेप्शन बन। ये जो दिया था ना, ये इम्पोर्टेंट इसमें ये है, ज्यादा कुछ नहीं, आपको एक्सेप्शन में इतना ही पूछेगा कि टिक द करेक्ट एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। तो आपको ऑप्शंस दे दिए, गिफ्ट एंड गुड देगा, आप टिक कर दें, ठीक है, इतना ही पूछा। गिफ्ट एंड गुड्स डिटेल में नहीं जाएगा आपसे, किसने दिया है वो नोट कर लो, गिवन बाय सर रॉबर्ट गिफन, रॉबर्ट गिफन ने दिया था ये, ठीक है, ये नोट कर लेना, सर रॉबर्ट गिफन। उसके बाद बेटा बात कर लेते हैं बाकी की, देखते चलते हैं उनको, ठीक है, जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं। सेकंड है आपका कॉन्स्पिशियस कॉन्स्पिकियस गुड्स, जिसको हम बोलते हैं स्नॉब अपील, और इसी को हम बोलते हैं वेबलेन गुड्स। Veblen goods, conspicuous goods या snob appeal। इसका मतलब ये होता है कि कुछ गुड्स ऐसे हैं जो लोग डिमांड की तब करते हैं जब उनकी प्राइसेस बढ़ जाते हैं। वो लोग ये सोचते हैं कि प्राइसेस बढ़ने का मतलब है क्वालिटी अच्छी है इसकी, तो चलो इसको परचेज करें, ठीक है। लाइक ज्वेलरी जो होती है ना, एक हाई सोसाइटी लोग जो हाई प्रोफाइल जो है वो हाई क्वालिटी की ज्वेलरी तभी खरीदेगा जब उसकी प्राइसेस को वो देखे। कुछ लोगों के लिए प्राइसेस कितना मैटर करता है ना, लोगों को दिखाने का शौक जो होता है ना, एक तरीके से यार ये तो इम्पोर्टेड है, ये हम यहाँ से लेके आए थे, ये इतने डॉलर्स का था, ठीक है। तो लोगों की ये माइंड में सेट है, ये स्पेशली हाई सोसाइटी वालों के लिए जाता है, ठीक है, हम लोग नहीं आते इसमें, क्योंकि मिडिल क्लास सोसाइटी नहीं आ सकती इसमें, इसमें हाई क्लास सोसाइटी आती है, जो लोग ये सोचते हैं कि ये प्रोडक्ट तभी अच्छा है जब इसके प्राइसेस बढ़ रहे हैं, ठीक है, स्पेशली इन द केस ऑफ ज्वेलरी लाइक डायमंड्स, ठीक है। तो वो लोग तभी वो परचेज करेंगे जब उसके प्राइसेस थोड़े हाई होंगे, नहीं तो फिर उनका जो होता है ना एक माइंड सेट,
कि प्राइसेस कम है, दैट मींस क्वालिटी अच्छी नहीं है. ओके, तो स्नॉब अपील वेबलिन गुड्स या कॉन्स्पिक्यूस गुड्स हम बोले तो उसको ही बोलते हैं जहां पे प्राइसेस की बढ़ने की वजह से, लाइक डायमंड हो गया आप इसका, इसमें यही सब आ जाता है. ठीक है, डायमंड इज द मोस्ट फेमस एग्जांपल्स ऑफ वेबलिन गुड्स. डायमंड के प्राइसेस बढ़ते हैं तो लोग ज्यादा खरीदने लगते हैं. थर्ड, फियर ऑफ शॉर्टेज. फियर ऑफ शॉर्टेज, साफ सीधी सी बात है बेटा, अगर आपको लगेगा कि शॉर्टेज होने वाली है रिसोर्सेज की या जो भी प्रोडक्ट हम खरीदना चाहते हैं, क्लियर नहीं हुआ. कौन सा क्लियर नहीं हुआ बच्चे? टिफिन गुड्स क्या? नहीं सर, सेकंड वाला. अच्छा, सेकंड. ओके ओके, वेबलिन गुड्स और स्नॉब अपील जो है. स्नॉब अपील बेटा होता क्या है कि कुछ गुड्स ऐसे होते हैं ना जो आपको हाई अपील करते हैं, उनकी अपीलिंग ना उनके प्राइसेस से देखी जाती है. जितने ज्यादा प्राइसेस उतनी ज्यादा डिमांड. ठीक है, होते हैं कुछ. अब देखो ब्रांड ऐसा है तुम्हारा, ठीक है, आपका नाइकी का ब्रांड हो गया, एडिडास हो गया आपके पास. ठीक है, ये लोग क्या जाने जाते हैं? ये लोग इसलिए जाने जाते हैं क्योंकि इनके प्राइसेस हाई होते हैं. जब आप लोग ऑनलाइन चेक कर रहे होते हैं तो कभी आप देखना ये वाला ब्रांड है, अब 2000 उसका प्राइसेस है और कभी फ्यूचर में उसके प्राइसेस 500 करते हैं, तो आपके माइंड में ये बात आएगी यार ये ब्रांड 500 रुपये कैसे मिलता है? इतना पर्टिकुलर ब्रांड, इतना हाई ब्रांड, क्या गुडविल है इसके और उन्होंने इतना सस्ता कैसे कर दिया? माइंड में यही आता है, नकली माल बेच रहे होंगे फिर, या फिर पता चला प्रोडक्ट कोई और दे रहे हैं और उस पर ये ब्रांड लगा के दे रहे हैं. ठीक है, तो हमारे को पता है ना कि हमारे जो इस मॉडर्न वर्ल्ड में इकोनॉमी में जो ब्रांड चलते हैं उसमें हमें पता है कि ये वाला जो ब्रांड है महंगा ही होता है. अगर वो सस्ते में बिके ना तो समझो कुछ घपला है. ठीक है, और ऑलवेज होता भी है. जैसे ये सरोजनी मार्केट हो गया आपका, ठीक है, और ये आपका जनपद मार्केट है. ठीक है, ये लोग क्या करते हैं, कोई इनका ब्रांड वो नहीं होता कि हम लोग यहाँ से लेके आए हमारा ये ब्रांड है, सब ऐसे चलता है, सब नकली है. ठीक है, वो लोग ऐसा होता है 100-100 रुपए की चीजों को वो लोग 1000-1000 में भी बेचते हैं. ठीक है, तो वही बात है ना कि अब लोग, हम आप जैसे लोग वहां पे चले जाते हैं, ठीक है, मार्केटिंग करने, क्योंकि हमें पता है कि चलो एक अपील दे रहा है कि भाई इतना तुम अफोर्ड कर सकते हो और हम तुम्हें इतनी अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं इतने कम प्राइसेस में, तो हम आप जैसे लोग अट्रैक्ट होकर मार्केटिंग करने चले जाते हैं. पर आप देखना कभी भी ऐसे मार्केट में आपको हाई सोसाइटी के लोग नहीं मिलेंगे, क्योंकि उनको पता है कि भाई ये मार्केट ऐसे ही चलता है, माल नकली होता है, प्राइसेस हो जाते हैं इस ब्रांड वाले. ठीक है, जितनी उनकी ब्रांड है, या प्राइसेस कम कर देंगे और माल भी नकली बेचेंगे ये बोल के कि भाई ब्रांड तो वही है. ठीक है, ऐसा नहीं होता. तो वेबलिन गुड्स ही ऐसे होते हैं जो माने जाते हैं कि अच्छी क्वालिटी तब होगी जब इसकी प्राइसेस ज्यादा होंगे. डायमंड इज द मोस्ट फेमस एग्जांपल, बिकॉज देखो डायमंड जो है ना आपका मिडिल क्लास लोगों के लिए नहीं आता है बेटा, अगेन आई एम सेइंग, जो डायमंड है ना वो हाई सोसाइटी में क्लासिफाई किया जाता है. डायमंड मोस्ट एक्सपेंसिव ओके मेटल है आपका बेसिकली. तो आपका इसमें क्या है कि जो डायमंड है वो उसकी प्राइसेस को हम कर देंगे तो वो सीधा प्राइसेस कम कर देंगे, तो जो उसके कंज्यूमर ग्रुप है ना उनको ऐसा लगेगा कि ये नकली माल होगा या ऐसी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होगी, तभी तो ये लो रेट पे बेच रहा है. ठीक है, नहीं तो डायमंड के प्राइसेस इतने कम कहाँ हो सकते हैं. तो इसीलिए हम मानते हैं कि ऐसे गुड्स जो आपको अपील कर रहे हैं कि भाई इसके प्राइसेस बढ़ना है इसका मतलब इसकी क्वालिटी अच्छी है. ठीक है, तो वहां पे तो आपका लॉ ऑफ डिमांड चल ही नहीं रहा. प्राइसेस बढ़ा तो आप डिमांड भी बढ़ा रहे हो, तो लॉ ऑफ डिमांड तो नहीं चल रहा ना वहां पे. ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा कृतिका. हाँ जी सर. ओके, द नेक्स्ट वन इज फियर ऑफ शॉर्टेज. फियर ऑफ शॉर्टेज का मतलब यही होता है, सिंपल सी बात है बेटा, कि अगर अभी के टाइम में आपको ऐसा लगता है कि इन फ्यूचर कुछ चीजों की शॉर्टेज हो जाएगी, ठीक है, तो अभी आप डिमांड ज्यादा कर दोगे भले प्राइसेस ज्यादा क्यों ना हो. ठीक है, तो यही होता है कुछ गुड्स एंड सर्विसेज ऐसे होते हैं जो हमें लगता है कि आगे जाके ये मिलेंगे ही नहीं, शॉर्टेज हो जाएगा, तो भाई खरीदो. 40 का मिल जाए कोई बात नहीं ले लो, 50 का मिल जाए खरीदते हैं. ठीक है, तब हमारे लिए प्राइस मैटर नहीं कर जाता, तब हम लोग क्या देखते हैं फ्यूचर में अवेलेबिलिटी नहीं रहेगी, तो जितना कंज्यूम कर सकते हो कर लो. ठीक है, तो यहाँ पे भी लॉ ऑफ डिमांड नहीं चला, सिंपल सी बात है. इग्नोरेंस. इग्नोरेंस का मतलब क्या होता है? यू हैव इनकम्प्लीट नॉलेज अबाउट द मार्केट. जब आपके पास नॉलेज ही नहीं है किसी प्रोडक्ट और आप उसको खरीदने चले जाओ तो उसे हम बोलते हैं इग्नोरेंस. जैसे जो लोग मार्केटिंग नहीं करते, जो लोग सब्जी मंडी नहीं जाते, ठीक है, वैसे मैं भी नहीं जाता, ठीक है, तो मुझे भी इतना खास पता नहीं है, तो वहां पे क्या करते हैं वो लोग,
अब रेट तो एक लोग वो लोग डिसाइड करके बैठ जाते हैं इतने भाव पे बेचेंगे सारी सब्जियां, ठीक है, सब्जी मंडी में। अब जिसको नॉलेज नहीं होगी, जिसको ये नहीं पता कि जो आलू है 20 रुपए किलो पे तुम्हें आराम से मिल जाएगा, ठीक है, तो वो जाके वहां पूछेगा भाई आलू किस भाव की। अब उसको पता है कि भाई ये नया कंज्यूमर है, आप जैसे ये क्वेश्चन पूछते हो ना सामने वाले के माइंड में आ जाता है ये नया कंज्यूमर है, ठीक है। ऑब्वियसली बात है भाई, तू अगर रेगुलर होता तो फिर तू ये बात पूछता ही क्यों, ठीक है। तो अब उसके माइंड में आ चुका है सामने कि ये रेगुलर कस्टमर है, इसके पास नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो इससे मैं जितना बोलूं उतने पे ले लेगा, ठीक है। और एक ही भाव तो हम करके बैठे हैं सर, अगर मैं 30 लगाऊंगा तो सामने वाले को भी 30 लगाना होगा, ये उनकी जो होता है ना मंडी में, ये लोग ऐसे ही तो बैठते हैं एक प्राइस सेट करके, ठीक है। तो वही चीज हो गया कि यहाँ पे आपने उसको क्या कर लिया, बेसिकली आपने उससे एक तरीके से ठग लेना जैसे हम बोलते हैं ना, वही हो गया, आपने उसको ठग लिया उस कंज्यूमर को, क्यों, क्योंकि उसको नॉलेज नहीं थी। तो इसे हम बोलते हैं इग्नोरेंस, मेरे से इग्नोर हो गया, मेरे पास नॉलेज नहीं थी इसलिए मैंने प्राइसेस को किया इग्नोर और जितना उसने बोला उतने पे मैंने खरीद लिया, जबकि एक्चुअल रेट कुछ और था। तो क्या यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई हुआ, 20 रुपए का सामान 30 रुपए पे बेच दिया उसने और आपने खरीद भी लिया जबकि आपको 20 पे मिल सकता था, तो हाई प्राइसेस पे आपने खरीद लिया तो लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल ही नहीं हुआ, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड तो ये बोलता है प्राइसेस बढ़े तो डिमांड कम, ठीक है। तो ये इग्नोरेंस की वजह से भी होता है। उसके बाद हम लिखेंगे नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, जल्दी से खत्म करते हैं इसको, ऑलरेडी 15 मिनट एक्सटेंड कर दिया हमने, 2 मिनट में इसको खत्म करते हैं। नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, अब ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं बेटा कि जो नेसेसिटीज हैं उसके प्राइसेस में अगर मैं कुछ भी फेरबदल करूँ तो आप कंजम्पशन बदल दोगे क्या, नेसेसिटी से बढ़ के क्या है, कुछ भी नहीं है। तो इसके प्राइसेस में जो भी चेंजेस होंगे ना, फेवरेबल इनफेवरेबल, इसकी डिमांड उतनी रहेगी हाई, इसके बिना नहीं चल सकता जीवन, ठीक है। उसके बाद देखो डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट का मतलब होता है दिखावा करना, ठीक है। जब किसी भी ग्रुप, किसी भी कंज्यूमर ग्रुप के कंजम्पशन पैटर्न को देख के आप भी दिखावा करने लग जाओ कि यार ये खरीद रहा है तो मैं भी ये प्रोडक्ट खरीदूंगा, ये तो हमारी सोसाइटी में यू नो नर्व्स में है हमारी सोसाइटी की, दिखावा तो है ना, फलाने के पास ये मतलब प्रोडक्ट है, हमारे पास क्यों नहीं, हमारे पास भी होना चाहिए, हम कोशिश करते हैं कि हमारे पास भी वो आए, ठीक है। तो ये क्या है, ये है डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, यार वो इसलिए खरीद रहा है क्योंकि वो अफोर्ड कर सकता है, तू अफोर्ड नहीं कर सकता इसलिए तू नहीं खरीद रहा है, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं, लोग अपनी इनकम छोड़ देते हैं कभी कभी, उनका अच्छा इसके पास ये प्रोडक्ट है हमारे पास क्यों नहीं है, भाई एक ही सोसाइटी में हम रहते हैं, उसने अफोर्ड कर लिया हम नहीं खरीद पाए, तो लोग ऐसा करते हैं कि चलो हम भी खरीदेंगे, फिर ये नहीं देखते हमारी इनकम क्या है और इसकी प्राइस क्या है। ओके, शर्मा जी के बेटे ने नई गाड़ी ली है, हमारे पास भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये शर्मा जी का बेटा और वर्मा जी का बेटा तो बड़ा ही फेमस है, इन लोगों ने तो लोगों की लाइफ को दुखी कर रखा है, ठीक है, चाहे वो रिजल्ट आ जाए, चाहे वो इनकम हो, चाहे वो हमारी यू नो कंजम्पशन पैटर्न हो, कुछ भी हो, तो ये लोग ऐसे ही हैं कि मतलब इनका ये होता है कि अच्छा इसके पास ये है हमारे पास नहीं है, हमारे पास भी होना चाहिए, ठीक है। तो लोग फिर ना इग्नोर कर देते हैं कि प्राइसेस क्या थी या हमारी इनकम क्या थी, भाड़ में जाए इनकम, भाड़ में जाए प्राइसेस, उसके पास ये गुड्स है मेरे पास भी होना चाहिए, मैं भी खरीदूंगा, ठीक है। तो ये होता है डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, यहाँ पे भी लॉ ऑफ डिमांड नहीं चलता क्योंकि ना तो आप अपने प्राइसेस देखे आपने, ना आपने अपनी इनकम देखी और चल लिए सीधा मुंह उठा के गुड्स खरीदने, जस्ट बिकॉज सामने वाले के पास भी वो गुड्स है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे फैशन रिलेटेड गुड्स, यहाँ तो लाइक मैं भी हार जाता हूँ, तो यहाँ पे मैं पिघल गया। ओके, तो फैशन रिलेटेड गुड्स में ना बेटा मेरा भी एक्सेप्शन ही चलता है लॉ ऑफ डिमांड का, सॉरी टू से बट लेकिन मैं यहाँ पे नहीं हो पाता मुझसे, मुझे लगता है दिस इज समथिंग यू नो इन दी फैशन, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लुक दे रहा है एक तरीके से, तो वो 1500 का भी होना मेरे को खरीदना है, ठीक है, मेरे को इतना मैटर नहीं करता। फिर मोस्ट ऑफ दी लोगों को मैटर नहीं करता, होता है, ठीक है, स्पेशली इन द केस ऑफ क्लॉथ एक्सेसरीज। हाँ बिल्कुल सही बात है यार, यू नो ऐसा था एक बार अपने आपको शीशे में देख लिया ना अपने मिरर में, यार ये प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है ना, ऐसा लगता है कि भाई नहीं ये तो चाहिए ही चाहिए, क्या लुक दे रहा है ये, क्या न्यू एकदम वो आ रहा है, ठीक है। तो फैशन रिलेटेड गुड्स पे तो मैं भी लाइक यू नो दिस टाइप ऑफ कंज्यूमर,
तो काइंड ऑफ दिस हो जाता है मेरा, तो ठीक है भाई तू दे दे, जिस पे तुझे देना है तो दे दे, मैं खरीद लूंगा ठीक है, नो मैटर कि ये मुझे उस मार्केट में जाके मुझे कितने पे मिले, मुझे मतलब एक तरीके से इवैल्यूएट करना ही नहीं है, मुझे यहाँ पे मिल गया है तो जो प्राइसेस पे देना दे दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक है। तो ये काफी लोगों के साथ होता है मुझे, है ना, आप लोगों के साथ होता है ये, देखते हैं कौन कोई है ऐसा जिसको होता है सबके साथ है। ओके या ओजस्विनी सिंह ड्राम ट्रू, ओके ड्राम ट्रू या दिस इज करेक्टली यू नो ऑलवेज सब यहाँ पे ऐसे ही है। ओके है ही है भाई, अभी शौक नहीं रखोगे तो कब रखोगे। ओके यही तो एज है जब आप अपने आप को जितना ज्यादा एक्सप्लोर कर सको कर सकते हो ठीक है, यही तो सीखने की उम्र है, यही तो एक्सप्लोर करने की उम्र है, यही तो दिखाने की उम्र है ना, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट भी तो यही एक एज है। ओके तो ये हम इंडियन सोसाइटी के नर्व्स में है ठीक है, बुढ़ापे में धोती कुर्ता पहनना है बिल्कुल सही बात है, पर हमारी जनरेशन मुझे लगता नहीं कि धोती कुर्ता पहनेगी ठीक है, हमारी जनरेशन भी ग्रो हो रही है, वो शर्ट पेंट वाला तो चलेगा ही चलेगा। आप लोगों ने मीम्स देखे हैं उसमें बहुत सारे यू नो फ्यूचर जनरेशन ऑफ अवर ओल्ड ग्रैंडफादर्स लाइक वो है कि डिफरेंट होने वाला है काइंड ऑफ, बट मैं वही आपको बताता हूँ फैशन रिलेटेड प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो लोग फैशन कंसर्न है ना उनपे एक्सेप्शन ही है लॉ ऑफ डिमांड, वो लोग लाइक हार जाते हैं भाई ये खरीदना है मुझे ठीक है नो मैटर व्हाट इज द प्राइस। नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस ऑफ प्राइस राइज, ठीक है फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस ऑफ प्राइस राइजेस हमने पहले भी बात कर ली है, अगर फ्यूचर में प्राइसेस बढ़ेंगे तो अभी डिमांड ज्यादा हो जाएगी, तो आप खुद सोचो यहाँ पे भी लॉ ऑफ डिमांड नहीं चला है ना, इन केस अगर फ्यूचर में प्राइसेस राइज हो जाए तो नो मैटर अभी प्राइस क्या है ठीक है, अगर अभी भी लग रहा है कि ज्यादा है फिर भी आप खरीदोगे क्योंकि आप लगेगा यार आगे जाके तो और महंगा हो जाएगा, तो इट्स बेटर ना कि अभी लिमिटेड महंगा है ठीक है, ये एक हमारा वो होता है कि फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस प्राइस राइज का यही है कि अगर फ्यूचर में प्राइसेस ज्यादा हुए तो प्रेजेंट में उसकी डिमांड ज्यादा हो जाएगी नो मैटर कुछ भी प्राइसेस हो ठीक है, तो ये बात होती है आपका। दीज आर सम एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड जहां पे इनवर्स रिलेशनशिप नहीं चलता। अब उसके बाद नेक्स्ट क्लास में परसों जो हम स्टार्ट करेंगे बेटा वो हमारा है शिफ्ट और मूवमेंट इन डिमांड कर्व ठीक है, उसको देख के हम सीधा इलास्टिसिटी स्टार्ट कर लेंगे ठीक है, इलास्टिसिटी स्टार्ट कर लेंगे और फिर क्वेश्चंस भी करेंगे टाइम रहा तो देखेंगे जैसे ठीक है। दो क्लासेस में अब ये डिमांड को खत्म करना है, कुछ एमसीक्यूज कर लेंगे और कुछ एमसीक्यूज में आपको सेंड करूंगा खुद से भी करना, तो टिल देन आप लोगों ना एक बार अच्छे से रिविजन करते रहो इसका साथ के साथ ठीक है, और बाकी हम मिलते हैं परसों वाली क्लास में। ओके बेटा ठीक है, तो मिलते हैं परसों वाली क्लास में, टेक केयर देन टिल देन, ओके थैंक यू फॉर टुडे, ओके ठीक है लीव कर देते हैं मीटिंग, ओके okay.